والسلام على شطم الاكملان على خير خلق الله اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل والمرأة راعية في بيت زوجها وولده إلى أن قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته محترم فاروق صاحب और मेरे इस्लामी माँ और बहनों अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जुमा के दिन असर के इस मौके पर अल्लाह ताला के घर में हम सबको जमा फरमाया है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मोजज़ ख़वातीन, जिस वक्त से हम गुज़र रहे हैं ये बड़ा बेहतरीन वक्त है। जुमा का दिन जो होता है बड़ा बेहतरीन वक्त होता है। इस वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन कबूलियत दुआ के दो अवकात हैं। मेंबर पर इमाम जब चढ़ता है उस वक्त से लेकर जुमा की नमाज़ ख़त्म होने तक, और दूसरा वक्त असर के बाद से लेकर मगरिब तक का। ये जो वक्त है आप हमारी तकरीर सुनने बैठे हैं, आपके दिल में जो भी दुआ है करना चाहते हैं दिल में दुआ करते रहिए। और ये इतना बड़ा बेहतरीन वक्त है कि हमारे असलाफ जब जुम्मा की असर होती थी घरों को जाते ही नहीं थे, दुआएं करते बैठते थे। और बाद असलाफ के बारे में ये आता है कि एक ऐसे असलाफ में से कुछ ऐसे भी गुजरे हैं जो पैदाइशी नाबीना थे, नज़र नहीं आता था। माशाल्लाह जुमा के दिन असर के बाद दुआएं करते रहे यहाँ तक के पैदाइशी जो नाबीना थे माशाल्लाह इस वक्त में दुआ करके माशाल्लाह ना वो बिना ही लौट आए थे। तो इतना बड़ा बेहतरीन वक्त है। ये समझिए ये वीकली ऑफर है अल्लाह की तरफ से। जब भी जुमा का दिन आता है तो हमें हफ्ता भर दुआ करते रहना चाहिए। खुसूसन ये वक्त में हमें अपने घरों में भी दुआ का माहौल, अपने बच्चों को भी, अपने बड़ों को भी, सबको भी इसकी तरफ जो है तवज्जो दिलाइए। जिस मौजू पर इंशाअल्लाह हम आपके सामने कुछ बातें बताएंगे वो हमारा मौजू है तरबियत औलाद। एक अजीम ज़िम्मेदारी, औलाद की तरबियत एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह आपके समझ के मुताबिक मोटे मोटे अंदाज में कुरान हदीस के हवाले से अम्बिया अलैहिमुस्सलात वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रात सहाबा इकराम, असलाफ की मिसालों से हम बताएंगे कि औलाद की तरबियत कैसे होती है। सबसे पहले हमने आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयाती। आयत का तर्जुमा यह है वही ज़ात है जिसने नाखानदार लोगों में से नबी को उठाया। अब जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, ना आपको पढ़ना आता था ना लिखना आता था। इसीलिए पहले वही के मौके पर जब जिब्रील अलैहि सलाम आपके पास आए बोले पढ़ो, बोले पढ़ने नहीं आता। दूसरे मतलब बोले पढ़ो तब भी पढ़ना नहीं आता। तीसरे मतलब बोले पढ़ना नहीं आता। क्या किया जिब्रील ने अल्लाह के नबी को लेकर ऐसे क्या किया दबाया दबोचा। चौथे मरतबा बोले तो अल्लाह के नबी अपनी जबान से इकरार बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक पढ़े थे। तो अल्लाह के नबी को क्यों भेजा गया था इस आयत में मकसद बताया गया। क्या बताया गया बासफिल्लुमीन रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयाते। अल्लाह के नबी को दुनिया में भेजे जाने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर लोगों को सुनाएं। यह पहला मकसद है। दूसरा मकसद क्या है वो युज़क्कीहिम लोगों को पाक करना, ये दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद है वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा किताब व हिक्मत की तालीम देना। अब ये तीनों काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे अंदाज से फरमाए। आपने अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह कितने लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया माशाल्लाह मुसलमान हो गए, सीरत पढ़ने से मालूम होता है। और उसमें देखिए वो युज़क्कीहिम क्या मतलब है पाक करना।
तक्वा करने का क्या मतलब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले दुनिया में शिर्क था, कुफर था, अखलाक़ी गंदगियाँ थीं, ज़िना था, शराब नवेशी, पूरी सारी चीज़ें आम थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े मुआशरे को पाकीज़ा मुआशरा बनाने के लिए आए थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत को बताया कि देखो गुनाहों से हमेशा दूर रहो। जैसे हम आपको बताते हैं, आप जब कपड़े धोते हैं अगर उस पर कोई गंदगी पड़ती है तो आप यूट्यूब में देखकर या इस वजह से पूछ पूछ करके कभी लेमन डाल के उससे धब्बे को मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारा यही रवैया होना चाहिए। जैसे हमारे कपड़े धब्बे से पाक रहते, इसी तरीके से हमारा दामन भी गुनाहों से पाक होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में भेजने का मकसद क्या है कि आप उनको पाक करते हैं। अच्छा, ये पाक करना कैसे हो सकता है गुनाहों से? क्या मेरे दिल में जैसे आए मैं पाक कर सकता हूँ? कहा नहीं, वो पाक करने का तरीका भी अल्लाह ने बताया। पाक करना हो तो कुरान की तिलावत के जरिए, किताब के जरिए, सुन्नत के जरिए मुकम्मल तौर पर लोगों को पाक करना चाहिए। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है, आप ये पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तर्जुमा आप पढ़ते ना, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो जहानों का रब है। अल्लाह का सादी रहमतुल्लाह ने शायद की तफसीर बताया, अल्लाह ताला की तरबियत के दो तरीके होते हैं। एक होता है आम तरबियत, आम तरबियत बोले तो यानी अल्लाह ताला दुनिया में रिज्क काफिर को भी देता है, इताअत करने वाले को भी देता है, काले को भी देता है, गोरे को भी देता है, सबको देता है। ये मतलब होता है आम तरबियत का। दुनिया में आप देखते हैं जैसे काफिर भूखा नहीं रहता वैसे मुसलमान भी भूखा नहीं रहता। अल्लाह के फरमान बंदा बंदे भी जी रहे, ना फरमान भी जी रहे, यह होता है आम तरबियत। खास तरबियत का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला अपने चुनिंदा बंदों की तरबियत फरमाता है। कैसे फरमाता है? आप नबियों को देखो, अल्लाह ताला ने आदम की तरबियत कैसे की और नूह की तरबियत कैसे की, इब्राहिम की, और खुसूसन तमाम नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे खास तरबियत फरमाई। आपकी तरबियत माशाल्लाह कैसे भी जानते हैं, दो मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, उसमें से दिल को निकाला, सोने के तश में रख कर सब पानियों के सरदार जमजम से उसको भेजा माशाल्लाह। मैं समझता हूँ दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जितना पाक है दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। और इधर भी आप जाने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल था ना, वो दिल इतना बेहतरीन था, अल्लाह ने कहा इस कुरान को हम पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह के नबी का दिल कैसे था? वो दिल इतना मजबूत था, कुरान की आयतें जब वही की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरती थी तो आप बर्दाश्त करते थे। जरा मेरे सुखों से लिए, जब आपके ऊपर वही आती तो क्या तकलीफ होती? अब देखिए आप मेरे सामने बैठे हैं, एसी में फैन चल रहा है, इल्म आपको बड़ा आसानी से मिल रहा है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से वही आती तो क्या तकलीफ होती? अल्लाह के नबी जहाँ बैठे रहते, अगर आपके रान के जिस्म के नीचे कोई, अगर जिस्म का किसी कोई हिस्सा आ जाता तो रेजा रेजा हो जाता, अल्लाह के नबी वजह में आ जाते। अल्लाह के नबी की पेशानी हालांकि उस पसीने से शराबोर हो जाती, आप सल्लम पर सख्ती तारी हो जाती। इतनी वही की तकलीफ को बर्दाश्त करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इल्म हम तक पहुँचाया। तो लिहाजा मालूम हुआ कि आम तरबियत होती है वो सबकी होती है, ख़ास तरबियत का मतलब ये होता है अल्लाह ताला अपने नबियों की, रसूलों की, सहाबा की, अपने औलिया की तरबियत करता है। और देखिए यही अल्लाह की ख़ास तरबियत को पाने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारी ख़ास तौर पर तरबियत करता है। बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से सबसे पहले बुनियादी बात हम आपको बताते हैं, बात याद रखिए, अगर हम तरबियत औलाद करना है तो कुछ लोगों को हम देखते हैं, कुछ लोग अंग्रेज़ी किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर जाकर गैर उलमा की जो है तकरीरें सुन लेते हैं, कुछ लोगों को हम देखते हैं इधर उधर की बातें सुन के अपने बच्चों को तरबियत करना शुरू करते हैं। नहीं, तरबियत करना हो तो एक बार याद रखिए, कुछ लोगों को हम ऐसे भी देखते हैं मिसाली तौर पर इतर की, मिसवा की, और दूसरी टोपी की दुकान है, उस टोपी की दुकान में जो कि जो भी किताबें मिली ला के पढ़ना शुरू करते थे। नहीं, ये इल्म किससे लेना चाहिए? इब्ने सीरीन रहिमहुल्लाह ने कहा यह इल्म अमानत है, तुम जिससे दीन लेते हो दे कर लो। एक बात आपको बताते हैं, ईद के मौके पर आप लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, यानी तो चावल खरीदने जाते हैं, तो चावल खरीदने जाते वक्त आप अपनी कितनी अकल लगाते, बोलते ये चावल पकाए बाद मोटा होता क्या, जल्दी खाना उतर जाएगा क्या, गेरा हो जाएगा
बड़े शाम पर लोग पका के देखे हम आजमाते हैं कपड़े में सही, ये कपड़ा क्या गर्मी में पहन सकता है, ये जिसम पे लग जाता क्या, और ये कपड़े में मिश्र मिस है क्या, ये खाली खाली काटन है क्या। तो हम बताते हैं आप शहद लेने के लिए इतनी अकल, कपड़े खरीदने के लिए इतनी अकल, और चावल खरीदने के लिए इतनी अकल, लेकिन दीन जहाँ कहीं से मिले क्या हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। दीन जिनसे लेना है उन्हीं से लेना चाहिए। तो अब आप तरबियत औलाद के बारे में सबसे पहले आप ये बात याद रखें, जुमला नोट कीजिए आप, ये औलाद जो है ना जहाँ एक नेमत है वही आजमाइश भी है, जहाँ एक नेमत है वहाँ एक आजमाइश भी है। कैसे आजमाइश है? आप देखते हैं आप नेमत आपको मिल गई औलाद की शक्ल में, लेकिन अल्लाह ताला उन बच्चों के जरिए आपको आजमाता है उस पर भी खरा उतरना। कैसे आप जानते हैं? कैसे? नोड़ी मिसाल देते हैं आप, माएँ खाती रहती हैं, ऐसे वक्त में बच्चे को खजा आ जाता है, तब क्या करते हैं आप बच्चे को गाली देते, दूसरे वक्त नहीं आता। याद रखिए ये माँ का दर्जा बाप का दर्जा पाने के लिए ऐसे ही नहीं बात है, इसके लिए बड़े मुश्किल को पार करना पड़ता है, जिसे बोलते लोहे के चने चबाना, इस तमाम को पार करने के बाद भी जो है ये औलाद की नेमत मिलती है। और ये बात याद रखें आप, औलाद अल्लाह तबारक व तआला देता है, दुनिया में औलाद देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्रर बंदों को आजमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरीबन 99 साल के हैं, अल्लाह ताला ने 99 साल की उम्र में इस्माइल जैसा बच्चा दिया, और जब उनकी उम्र 120 साल की हो गई हजरत सारा से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया। देखिए इतनी बड़ी उम्र को पहुंचने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है। और ये बात याद रखे आप और मेरी जिंदगी में अगर आजमाइश आती है तो आजमाइश ये जहमत नहीं रहमत है, ये आजमाइश हमारे पास आती है तो हम आजमाइश में फौरन अल्लाह को गाली देना, तकदीर को कोसना, सुसाइड कर लेना, ये मोमिन की शान नहीं होती। ये आजमाइश क्या है? हमारे दर्जों को बढ़ाने के लिए आती है। अभी चंद दिनों पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्किरा हुआ, इब्राहिम अल्लाह के खलील कैसे बने, अल्लाह के दोस्त कैसे बने, उसका जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में फरमाता है इब्राहिम को उसके रस में रब ने आजमाया, तो इब्राहिम हर वक्त भी माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के आजमाइश में पूरे उतरे। तो आप लोग अपने जहन से ये निकाल दो कि आजमाइश सिर्फ मुझे वक्ती तौर पर तकलीफ दे रही है, बल्कि आजमाइश असल में अल्लाह की रहमत बन के आती है। अल्लाह ताला बंदों को देखना चाहता है कि मेरे बंदे कितना सब्र करते कितना सब्र नहीं करते। एक बात ये भी आपको बताते हैं, शादी होने के बाद बाल लोगों को औलाद फौरन हो जाती है, बाल लोगों को देर से होती है, और बाल लोग ऐसे जिनकी औलाद नहीं होगी, ये भी अल्लाह की आजमाइश है और ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ताला ने सूरह शूरा के आखिर में क्या कहा, अल्लाह ने फरमाया देखो अल्लाह ताला जिसको चाहे लड़कियां देता है, जिसको चाहता है लड़के देता है, जिसको चाहता है लड़के लड़कियां मिलाकर देता है, ये तीन। नंबर चार, अल्लाह ताला जिसको चाहता है लावर बना देता है। तरतीब देखिए आयत में लड़की का जिक्र पहले, दूसरे नंबर पर लड़के का, तीसरे नंबर पर लड़के लड़कियों का। ये क्यों तरतीब ऐसे आई? मुफस्सिरीन कहते हैं अरब माशरे में लड़की को गिरा कर देखते थे, और जब वो पैदा होती तो क्या कहते हैं उसको जिंदा दरगोर करते थे, वही दल मऊद तो सीलत, और उसे नहल में आया वही दुश्रहदीम, बेटी पैदा हो गई तो चेहरा काला हो जाता है। आज भी आप देखते हैं बेटी पैदा होती है लोग क्या पैदा हो गई नहीं बोलते, अगर लड़का पैदा हो गया तो समझे 14 तारा रोशन हो जाते हैं। तो ये बेटी पैदा हो जाती तो चेहरा काला जाके भी मट्टी में छुपा दे, इसीलिए बेटी का जिक्र पहले आया है। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम को औलाद के बारे में आजमाया, और इब्राहिम के बाद अल्लाह ताला ने अंबिया बनी इसराइल में जकरिया को भी आजमाया। ये जकरिया कौन? हजरत मरियम के खालू अंकल लगते हैं। जब मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के मेहराब में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही हैं, बगैर सीजन के उनके पास फल है, जैसे गुज़र बारे मैंने आपको बताया ठंड के दिनों में आम, गर्मी के दिनों में सीताफल, ऐसा मिसाल। तो जाके देखा पूछा कहाँ से आया है ये मरियम, तो कहने लगी अन्ना लगी हाजा, कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की जानिब से, और अल्लाह ताला जिसको चाहता रिज़्क़ देता है। देखिए हजरत ज़करिया का ईमान देखो, अल्लाह ताला ने मरियम को बगैर शौहर के औलाद दिया, जानते ना, बगैर बाप के पैदा हुए थे, कौन? हजरत
ईसा अलैहि सलाम वहां खड़े होकर अल्लाह ताला से हजरत ज़करिया ने दुआ की। ये सूरह आले इमरान में अल्लाह ने इसको जिक्र किया, हुनालिका दुआ ज़करिया रब्ब قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء। वहीं मेहराब में खड़े होकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह हुनालिका दुआ ज़करिया रब्ब, ऐ अल्लाह तू मुझे पाकीज़ा बच्चे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा फरमाया। देखिए ज़करिया अलैहि सलाम के बाल सफेद हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, और ज़करिया की जो बीवी थी वो भी लावलत थी। अल्लाह ने कहा वज़करिया इदनादा रब्बहु रब्बि ला तदरनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन व फस्तजबना लहु व वहबना लहु यहया व अस्लहना लहु ज़ौजा। अल्लाह फरमाता है देखो हमने ज़करिया की दुआ को कबूल करके यहया जैसा बच्चा उनको दिया, और यहया ऐसे बच्चे इससे पहले दुनिया में किसी का नाम नहीं रखा गया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन से अच्छे मुकम्मल तौर पर इताअत करने वाले थे। देखिए इब्राहिम को भी आजमाया, ज़करिया को भी आजमाया, और सुलेमान को भी आजमाया। सुलेमान कौन? माशाल्लाह बेटे बाप भी नबी, बेटे भी नबी। वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, दोनों आलिम, दोनों बादशाह। और उस तरीके से इब्राहिम हजरत दाऊद भी खलीफा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या क्या नहीं दिया था उखरा में देख लिया। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा था, बुखारी की रिवायत है, उसमें एक रिवायत में आया कि उनके 70 पर 7 बीवियाँ थीं, बाद रिवायतों में आया कि 90 पर 9 थी, बहरहाल नबी से ज़्यादा थी उनकी बीवियाँ, नबी की बीवियाँ 11 थीं। तो उन्होंने अल्लाह ताला से एक दिन जो है कसम खाई थी, मैं आज अपनी हर बीवी से ज़रूरत पूरी करूँगा और उनसे जो भी बच्चे होंगे अल्लाह ताला के रास्ते में मैं उनको वक्फ कर दूँगा, ऐसे कसम खाई। मगर कसम खाने के बाद उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। हुआ क्या, किसी को हमल नहीं ठहरा, बच्चा भी नहीं हुआ सिवाय एक बीवी के, वो भी बच्चा वक्त से पहले इनकम्प्लीट बच्चा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ बैठ के हुकूमत करते थे वो बच्चा ला के उनकी कुर्सी पर डाल दिया गया। सुम्मा ना वो अलकीना अला कुल सुम्मा ना, जैसे ही देखा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है बहुत दुख हुआ, अल्लाह तबारक व तआला से फौरन दुआ कर ली। यहाँ देखिए हज़रत इब्राहिम को भी आजमाया, हज़रत ज़करिया को भी आजमाया, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी जो है आजमाया। देखिए औलाद की तरबियत जब होती है ना, लोग क्या समझते हैं शादी के बाद शायद दुआ करना है, नहीं, आप जब बालिग हो गए ना उस वक्त से दुआ करना है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युन। बहुत समझी बात है, आप लोग अपने घर में अपने बालिग बच्चों को बच्चियों को वसीयत करके मरी आप ये दुआ हमेशा करना, रब्बना, ये रब्बना दुआ किसकी है, रहमान के बंदों की दुआ है, जो सूरह फुरकान के आखिरी में आई है। वो दुआ क्या करते हैं, ऐ अल्लाह तू मेरी बीवियों को मेरे बच्चों को सब मेरे आँखों की ठंडक बना दे। क्या मतलब है, जरा गौर से बात सुनिए। अल्लाह ने ये आँख बनाई, हमारी आँख, आपकी भी आँख है, तो ये आँख से है, ये आँख अल्लाह की बड़ी कुदरत है। जब गम आता है तो जैसे ही आंसू निकलते हैं यहाँ गर्म लगता है नीचे आते ही, और अल्लाह की शान ये उसी आँख से जब खुशी से आंसू निकलते हैं तो माशाल्लाह वो ठंडे और मीठे होते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। ये आँखों की ठंडक जो बताया गया ना वही है। इस मसलन कैसे है, मैं घर में नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरा बच्चा भी बाहर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है, दुआ करके रो रही है, अपने बच्चों को अल्लाह के सामने झुकते उठते देखता हूँ ना, तो हम क्या करते हैं वैसा कहते हैं फौरन फोटो पकड़ दें, मेरा बच्चा वैसा कर रहा है, वो फोटो नहीं पकड़ना, उनके लिए दुआ करना। यही आप जैसे बोलते बच्चे दर्द सर बन गए, ये अलग है जब नाफरमानी आती है। जब हमारे बच्चे अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं उनको देखकर खुशी से हमारे आंखों में जो आंसू आते हैं वही आंखों की ठंडक है। हसन बसरी रहिमहुल्लाह से पूछा गया ये बीवी बच्चे आंखों की ठंडक कैसे बनते, बोले तो क्या जवाब दिए, असल में बात यह है कि जब वालिदैन अपने बच्चों को उनके साथ अल्लाह के सामने झुकते उठते बैठते देखते हैं तो खुशी से आंखों से जो आंसू आते हैं वही ठंडे होते हैं। हसन बसरी से पूछा गया ये आंखों की ठंडक दुनिया में आखिरत में, बोले आखिरत से पहले अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में देगा। तो लिहाजा ये आंखों की ठंडक बनना बहुत
मुश्किल है लेकिन हासिल हो जाता है तो इंसान को बड़ा मज़ा आता है। और उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ो कि नमाज पढ़ो आपका नमाज को भी आंखों की ठंडक बताया। हदीस है वो जुअलत कुर्रतु अयनी फिस सला का मेरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या मतलब है? हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि नमाज में कहीं की खलल है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ने के बाद सुकून मिल रहा है, यानी ऐसा सुकून मिल रहा है कि माशाल्लाह ऐसे दिल सीना खुल गया है और खुशगवार मूड में है, तो समझो हमारी नमाज कबूल हो गई है। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा? नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आँखों की ठंडक बनाया है। तो सबसे पहले बच्चों की तरबियत के लिए हमें बचपन से ही दुआ करते रहना चाहिए। जनाब अलैहिस्सलाम के तकरीबन 22 साल नाजिल रहे मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उनका नाम है मौलाना खलील रहमान आज़मी। वो हमेशा क्लासों में नसीहत करते थे। मुझे मालूम है 97 में जमात पंजाब में पढ़ रहा हूँ मैं, उस वक्त 98 की बात है, ये क्लास में आके बोलते, देखो बा मैं तुमने एक नसीहत करता हूँ, मेरे मरने के बाद भी ये नसीहत अपने दामन से बांध कर रखना हो। क्या बोले तो ये रब्बना हमलना मिन अज़वाजिना पढ़ते रहना। वो पढ़ने का नतीजा क्या होता है? माशाल्लाह जब रिश्ता होता है तो ऐसे घराने में रिश्ता होता है जिसके साथ आप जिंदगी गुजार कर इस दुनिया को आप जन्नत समझते हैं। ये दुआओं का नतीजा है। अगर आप वो दुआ पढ़े बगैर शादी भी हो गई, सब हो गया, तो क्या होता है उस औरत के अंदर जो शर होता है वो शर की वजह से शौहर परेशान होता है। अगर शुरू ही से हम दुआ का एहतमाम करते हुए आए, वो औरत के अंदर अगर शर भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ से उस औरत के शर से हमको मुकम्मल तौर बचा सकता है। तो लिहाजा हमें हर एक को ये दुआ का एहतमाम करते रहना चाहिए और ये दुआ भी पढ़ना शादी से पहले। बाद में क्या करते शादी और दुआ पढ़ते रबी हबली मिन सालिहीन। ये दुआ जो है सिर्फ शादी के बाद पढ़ने की नहीं, शादी से पहले ही पढ़ सकता है इंसान। और ये बात याद रखें, अल्लाह ताला से औलाद नहीं मांगना, अल्लाह ताला से नेक औलाद मांगना। इसीलिए अल्लामा कुर्तुबी रहिमहुल्लाह कहते हैं नेक औलाद मांगना नबियों की आदत है। हम में से हर एक दूसरे से पूछते रहते हैं औलाद हुई औलाद हुई, ऐसे नहीं पूछना, बोलना अनेक औलाद हुई। और ये बात याद रखिए, आप किसी के बारे में आप सुनते हैं कि औरत उस मराहिल से गुजर रही है उसके लिए हम दुआ करना, तो वैसा नहीं है माहौल। माहौल कैसा है? जलन का माहौल है, उसे औलाद हो गई इसे नहीं हुई, ऐसे ऐसे बातें करते लोग। तो नेक औलाद की दुआ करते रहना चाहिए। रब्बना हबलना पढ़िए, रब्बी हबली मिन अस्सालिहीन पढ़िए, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउ दुआ। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है सूरह आले इमरान में, आप भी उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते हैं। आप औलाद की तरबियत के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की। सबसे पहले आप उनको आइडियल बनाना। आज क्या होता है, इससे पहले भी दर्स में हमने आपके सामने बताया था, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल में जो नबियों के किस्से पिक्स आते हैं ना वो लग के छोड़ देते हैं, उसमें क्या रहा है नबी की फोटो आती है, बकरियां आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बच्चे समझते हैं ये हजरत सुलेमान है ये हजरत दाऊद है। तो नबियों की फोटो आना ये नबियों की शान में घुसताती है। लिहाजा यूट्यूब पर जो भी फॉरगेट्स आता है वो हर एक सही नहीं है, उसमें से बहुत कुछ कम सही हो सकते हैं। लिहाजा नबियों के जो सही किस्से होते हैं वो आप उनको मुकम्मल तौर पर सुनाएं। और एक बात तरबियत औलाद के बारे में एक बात आपको बता देती है, इस्लाम ने तरबियत औलाद के बारे में जो भी बातें बताई ये बातें ऐसी हैं 100% सही हैं इस्लाम ने जो बताया। और ये बात याद रखिए, ये इस्लाम ने जो तरबियत औलाद के बारे में जो बात बताई है यानी थियरी देकर प्रैक्टिकल नाकाम हो गया हो या प्रैक्टिकल कामयाब होकर थियरी में नाकाम हो ऐसी बात नहीं है। जैसे आप साइंस पढ़ते ना उस तक पढ़ाता बाद में लेबोरेटरी में जाकर तजुर्बा करता है, इस्लाम वैसा ही है। जैसे हम आपके सामने नजरियात बता रहे इस्लाम ने ये बता है तरबियत औलाद के लिए, तो साथ में इस्लाम ये भी बताता है इन उसूलों पर अगर आप चलेंगे कामयाबी 100% है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। ठीक है, तरबियत औलाद के बारे में कुरान और हदीस ने जो बताया हमें वो बातें अगर अमल करेंगे तो 100% सही है। उसकी उस दलील क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा इकराम की तरबियत फरमाई और सहाबा ने अपने बच्चों की तरबियत फरमाई, उसका नतीजा क्या हुआ? माशाल्लाह बेहतरीन नस्ल तैयार हुई। आज देखिए हम तरबियत करना चाहते हैं नाकाम हो जाते हैं, दुआ करते कबूल नहीं होती,
यानी तो हम एक अच्छे मूड में रहते हैं, बच्चा कुछ कह रहा तो फौरन गुस्सा आ जाता, उसकी सारी खूबियों पर हम पानी फेर देते। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, आप कुरान करीम में जितनी औरतों का जिक्र है उन औरतों में ज़रा मरियम को ख़ास तौर पर पढ़ी आगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में किसी भी औरत का नाम नहीं लिया, ना अल्लाह ने खदीजा का नाम लिया, ना आयशा का नाम लिया। नाम लिया तो किसका लिया? सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया। वो क्यों लिया? उसकी पांच वजूहत उलमा ने बताएं, बस इतना हम बताते हैं, वो एक बड़े सरदार की बेटी थी। कौन? मरियम अलैहिस्सलाम। और दुनिया में चार बाकमल खवातीन में उनका शुमार होता है मरियम का। अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से जो है सूरत भी उतारी। तरबियत औलाद में ये बड़ी अहम बात है और आज के ज़माने में इस पर अमल करना बड़ा अहम है। वो क्या और जैसे बात है, मुझे और आपको अपनी औलाद को शैतान से बचाकर रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसीलिए कि आजकल देख रहे हैं शैतान के हमले बहुत हो रहे हैं, फितने बहुत हो रहे हैं, सोशल मीडिया से हमारे बच्चों पर शैतान का असर हो रहा है। हमारे बच्चे भूत देखते एक देखते उभरते हैं। लिहाजा अपने बच्चों को शैतान से अगर बचाना हो तो क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले क्या है, माँ अपने बच्चों के बारे में दुआ करना। अच्छा, ये कहाँ दलील मिली? ये दलील मिली मरियम के वाक़े से। मरियम की वालिदा का नाम था हन्ना, मरियम की अम्मी का नाम हन्ना था। वो दुआ करती हैं, अल्लाह मेरे पेट में बच्चा है, अगर लड़का पैदा हुआ तो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, ऐसे नज़र मानी थी। लेकिन अल्लाह ने क्या दिया? अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटी दिया। अल्लाह का मंजूर था इनको बेटी देकर उनके पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करना, ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला था। जब हज़रत मरियम अपनी माँ के हन्ना के पेट में थी तो उसको की दुआ की थी, क्या की थी? वह वही दुआ अभी का वह जरूरियत हामिन शैतान रजीम, अय अल्लाह तो मेरे पेट में जो औलाद, देखिए अल्फाज देखिए, मेरे पेट में जो औलाद है और उससे होने वाली औलाद को शैतान के हमलों से बचा ले। समझ रहे ना? मरियम की माँ ने दुआ की जबकि मरियम अपनी माँ के पेट में है, दुआ करती हैं हन्ना ऐ अल्लाह मरियम को भी बचा ले, उसके पेट से पैदा होने वाले ईसा को भी बचा ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत आती है बुखारी मुस्लिम में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा? ये लफ्ज़, दुनिया में जो भी बच्चे पैदा होते हैं शैतान उसे उंगली करता है। जो भी बच्चे पैदा होते हैं आवाज़ करते ना, उन्हें दुनिया में आकर रोशनी देखो नहीं रो रहा, उन्हें शैतान उसे उंगली कर रहा है। बुखारी की रिवायत में इतना आया, साइड में उंगली करता है, गुदगुलिया जैसे करता है, ऐसी अल्फाज है, उसे चुभोता है तो क्या करता है, चीखता है। तो शैतान हमला किया किस पर? सारे बच्चों पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शैतान के हमलों से दुनिया में अगर बचे तो दो ही आदमी हैं, वो एक है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और दूसरे हैं उनके बतन से पैदा होने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। देखिए माँ ने दुआ की, अल्लाह ने लाज रख ली हज़रत मरियम की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। एक तो अब तो बचपन ही से हमें अपने बच्चों को शैतान से बचाने की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करना चाहिए। कैसे होगा? आजकल तो ऐसा होता है, अगर बच्चा की गुस्सा क्या तो बोले तू शैतान है, नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, शैतान नहीं बोलना। उलमा ने मना किया, शैतान नहीं बोल सकते। बहुत लोग तो ऐसे रहते हैं, तो फिरौन से बदतर है तू, तो कारून से बदतर है तू, तो काफिर फलां फलां, नहीं। जबान को लगाम देके रखिए, बच्चों की तरबियत जो होती है सब्र के बगैर नहीं होती। आजकल माओ के अंदर सब्रिश नहीं, ये बात याद रखिए, माँ का दर्जा बाप से ही बढ़कर है और माँ की दुआ कबूल होती ही है। उसकी दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा? देखो वालिद की दुआ कबूल होती, हदीस में ही आया वालिद की दुआ। वहाँ अल्लाह के नबी ने वालिदैन का तस्करा नहीं फरमाया। क्यों? इसलिए कि वालिदा की दुआ का कबूल होना 100% गारंटी पक्का। अगर आप बददुआ करेंगे बददुआ भी कबूल होगी। तो माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों के हक में हमेशा दुआ करते रहे। देखो हज़रत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह को अच्छे पैदा हो गए लेकिन बड़े हुए तो नाबी ने भी नहीं चले गए, हमें रहते थे खाल रोते को बैठे थे, उन्होंने क्या करें, उनको मालूम था मेरे बच्चों को सेहत देने वाला भी वही, बीमारी देने वाला भी वही, शिफा देने वाली जात भी वही है। रातों में
अब बैठ कर अल्लाह के सामने रो रो के दुआ करती। कोई दिन तहज्जुद नहीं छोड़ा। बुखारी रही मोहल्ला की वालिदा, अचानक क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में लिखा जाए इब्राहिम आए। रिवायत सही है, इब्राहिम आकर बोले अरे बुखारी की माँ तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारी बेटे की बीनाई को लौटा देगा। ऐसे ही हुआ, ख्वाब देकर उठे। इमाम बुखारी रही मोहल्ला की वालिदा बोलती हैं रात तक मेरे बच्चे को देखती आँख नहीं थी, सुबह उठी तो माशाल्लाह मेरा बच्चा अपनी जगह से उठकर माशाल्लाह वजू करने जा रहा है। इसमें मिसालें क्या हैं, मिसालें ये बताती हैं कि माएँ अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर दुआ दें। तो शैतान से बचने के लिए हमें क्या करना, दुआ करते रहना चाहिए। और एक बात भी है, हालत हमल में अगर औरत के अंदर शैतानी आदतें होती हैं तो वो शैतानी आदतों का असर बच्चों पर भी होता है। मसलन कैसे, हालत हमल में नमाज नहीं पढ़ी, हालत हमल में गाने देख ले होती, यानी तो सीरियल देख ले होती, फिल्में देख ले होती, ऐसा अगर बोलने अगर हंसिया की वो तो बच्चा हिरत बड़ा होता, बच्चा सही बड़ा नहीं होता। आजकल देखते हैं नमाज नहीं पढ़ते, महीने महीने गुजर जाते, कभी कुरान में कोई नमाज नहीं, क्या उसके पेट में पैदा होने वाले बच्चे नमाजियाँ होंगे, नहीं होंगे। लिहाजा औरत को नेक होना, मरियम को देखो बैतुल मुकद्दस के मेहराब में बैठकर अल्लाह की इबादत करती थी, कौन, मरियम अलैहिस्सलाम। तो बोलते दूध मुंतकिल होता तो आदतें भी मुंतकिल होती हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर इबादत का जो शौक और शौक था वो इबादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी आया। लिहाजा बचपन में क्या बात करें, قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا, बात कर रहे हैं बचपन में, बचपन में तीन बच्चे बात कर रहे हैं, उसमें ईसा नहीं है, बोले मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी किताब, अल्लाह ताला मुझे किताब देगा और मुझे नबी बनाएगा। देखो वजअलनी मुबारकन अइनमा कुंत, जहाँ कहीं मैं रहूँगा वो बरकत वाला रहूँगा। और क्या अइनमा कुंत वो औसानी बिस्सलाम, और अल्लाह ताला ने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है और जब तक मैं जिंदा रहूँ नमाज पढ़ता रहूँगा। ये क्या, ये हजरत मरियम ने हालत हमल में नमाज पढ़ी तो माशाल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी नमाज पढ़ने का जो है गम और बदला। ये बात देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारी तरह जो नमाज को चल गया, इन्हों सीरियल देख रहे हैं, बाप बोलता नमाज को चले जाओ, इन्हें क्या कर रहे हैं फोन में बात कर ले बैठे हैं, तो बच्चे नमाज को जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की तरबियत के लिए दुनिया के सबसे मुकद्दस जगह का इंतखाब फरमाया, मक्का मुकर्रमा का, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैर ज़ी ज़रइन रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह मक्के में लाकर छोड़ रहा भाई को नमाजी बना दे। इतना नहीं करें, माहौल देकर नहीं छोड़ा, हम क्या करते माहौल देकर छोड़ देते नहीं, माहौल देकर दुआ भी करे, रब्बी जानी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मेरे बेटों को मुझे नमाजी बना दे। नतीजा क्या हुआ देखो, एक माहौल देना, दूसरा दुआ करना, नतीजा क्या हुआ, अल्लाह ने वो नतीजा दुनिया ही में दिखाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा, वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वअद व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुर अहलहु बिस्सलाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का ज़कात का हुक्म देते थे, माहौल दिया, दुआएं दी, वो दुआएं ऐसे कबूल हुई कि इब्राहिम ने अपने बच्चों को अपनी जिंदगी में अल्लाह के सामने झुकते हुए देखा। यही कमाल होना चाहिए हम लोगों का भी। वदस हाजरीन ये बात भी देखिए, शैतान से बचाने के लिए पहली बात दुआ करना, दूसरी बात क्या है, अपनी औलाद को शैतान से बचाने के लिए ये दुआ पढ़ना, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मा मिन कुल्लि शैतानिन हामा मिन कुल्लि अइनिन लामा। ये दुआ कितनी बेहतरीन है, दुआ कौन किसके ऊपर पढ़े हम आपको बताते हैं, ये दुआ किसने पढ़ी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक पाँव पर हजरत हसन को बिठा लिए नवासे, और एक पैर पर हजरत हुसैन को बिठा लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों पर ये दुआ दम कर रहे हैं, क्या दम कर रहे हैं, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मा। तो दुआ पढ़ के उन दोनों पर थूक कर क्या बोलने लगे, ये टर्निंग पॉइंट है, उन दोनों पर पढ़कर थूक कर ये कह रहे हैं देखो लोगो मैं अपने मुबारक नवासों पर इन दुआओं को पढ़कर शैतान से उनको महफूज कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप यानी अल्लाह के नबी के दादा हूँ इस्माइल हजरत कौन इब्राहिम बोलते तुम्हारे बाप भी अपने बच्चे इस्माइल और इसहाक पर भी यही दुआएं पढ़ते थे। देखो हजरत इब्राहिम ने अपने आप को शैतान से बचाया, और शैतान से बचने के लिए वही दुआ पढ़ी जो अल्लाह के नबी ने पढ़ी थी, इसलिए बोलते इब्राहिम की पैरवी करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं,
अल्लाह ताला ने इब्राहिम को भी शैतान से बचाया, इब्राहिम की जुर्रियत को भी शैतान से बचाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके नवासों को बचाया। कहाँ से आए समझते हैं आप? जब जमात की रमी करते समझते ना, कहते नहीं मारते ना। पहले क्या था, हम लोग जब हज करने गए थे 2002 वगैरह में, वहाँ लफ्ज शैतान लिख दिया गया था, छोटा शैतान, दरमियानी शैतान, बड़ा शैतान। लोग क्या करते थे, वहाँ कंकरी मारने गए तो समझ जाते हैं वहाँ शैतान है, इनोफ शैतान बन जाते हैं। वो एक मसला है, क्या करते हैं वो ऐसा मालूम होता है कोई आदमी बोलिंग कर रहा है, बिस्मिल्लाह लगा पलट पलट के मार रहा है। कुछ औरतों को हमने उस लोग भी देखा, वो हज के लिए जो लेते वो भी फेंक के मार दे रहे हैं, और जो है वो भी लेके मार दे, क्या समझ गए वहाँ शैतान है। याद रखिए, हम ये जमारात की जो रमी कर रहे हैं, पहले दिन एक को, उसके बाद के तीन दिन भी 20 पर एक तंकरियाँ मानते जवाल के बाद। ये क्यों मानते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह का जिक्र है ये, लेकिन उसकी गहराई में जाकर देखें तो एक रिवायत मालूम होती है, बैहाकी और मुस्तदरक हाकिम में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुम की रिवायत सही है। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी जो मदीने के मशहूर मुहद्दिस थे, उन्होंने इस हदीस को सनद सनद क्या है, क्या सनद हदीस है, बहुत सुनी हदीस है, ये हमारे मौजू की सबसे बदन हदीस है। क्या है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर ज़बह करने के मिलाने जा रहे थे, लिए तो जैसे ही इस्माइल को लेकर गए शैतान आया। क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोला होगा, मैं समझता हूँ डायलॉग है ये, अरे अबू इब्राहिम इतनी आरजुओं के बाद बुढ़ापे में औलाद से ज़बह करने जाते क्या? मालूम है हज़रत इब्राहिम खलील क्यों बने, उसकी वजह यह है, खलील किसे बोले, नोट कीजिए, खलील किसे बोलते हैं जिसके दिल में अल्लाह के अलावा किसी और की मोहब्बत नहीं रहना। हज़रत इब्राहिम का दिल कैसे था, माशाअल्लाह कल्बे सलीम, बड़ा दिपाकीज़ा दिल, वो दिल ऐसा था उस दिल में न सारा की मोहब्बत, न हज़रत इस्माइल की मोहब्बत, किसी की मोहब्बत नहीं थी। जब अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद दी इतनी जो है सारी मुसीबतों के बाद, उस बच्चे को ज़बह करना तो ये मामूली बात नहीं, इसीलिए खुतबे ईद के खुतबे में लोग बोले ये ईद की आती है तो हम छुरी चलाते हैं, तो हमारे ख्वाहिशात की भी कुर्बानी देना चाहिए, हमारे अरमानों की हर चीज़ की कुर्बानी देना चाहिए। हज़रत इब्राहिम ने क्या किया, वहाँ खड़े होकर नीचे से कंकरी उठाई और शैतान को मारा, अल्लाहु अकबर बोल के मारा। बोलकर क्या बताया, अरे हज करने वालों देखो, इब्राहिम ने शायद ऐसा कहा होगा, देखो लोगों ये शैतान है ना, मेरे और अल्लाह के दरमियान में जो मोहब्बत है उसमें रुकावट डाल रहा है, लिहाजा मैं पत्थर मार रहा हूँ, अल्लाहु अकबर कहकर साथ करके नहीं हमारे, थोड़ा और आगे बढ़े फिर आया। हज़रत इब्राहिम ने वहाँ खड़े होकर फिर कंकरियाँ मारी। रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कंकरियाँ मारती तो ज़मीन में धस जाता शैतान वो सीने तक, ऐसे ही धस जाता, कंकरी मारी अल्लाह अकबर, सात सात 14 कंकरियाँ हो गई, फिर आगे बढ़े फिर आया। इब्राहिम ने वहाँ भी खड़े होकर अल्लाह अकबर कंकरियाँ मारी और फिर आगे बढ़ गए। अच्छा, जब हम कंकरी मारने जाते हैं तो हमारी नीयत ये होना चाहिए कि अल्लाह का जिक्र है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैल है, इब्राहिम का फ़ैल है, लेकिन ये पॉइंट है हर हाजी जो होता है कंकरी मार के उसे ये अपने नीयत करना चाहिए, इब्राहिम का जैसे शैतान दुश्मन था वैसा मेरा भी दुश्मन है। लिहाजा हम हाजियों को देखते हैं, हाजी हज को जाकर तो आ जाते मगर वापस आने के बाद अपने शैतानियत नहीं छोड़ते, नहीं। अब कंकरी मारने से क्यों आप उस अहद की तजदीद कर रहे हैं, ये वो जगह है जहां हजरत इब्राहिम ने शरण कंकरी मारी, मैं भी शैतान को जिंदगी भर अपना दुश्मन समझूंगा, और अल्लाह ने यही बात सूरह फातिर में यूं बयान फरमाई, इन शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदुहु अदुवा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो उसको दुश्मन समझो। और देखिए अपने बच्चों को शैतान से बचाने के लिए क्या करना, हजरत आदम का किस्सा कुरान में 7 जगह आया है, वो बार बार पढ़ो, नोट कीजिए, आदम का किस्सा कुरान में 7 जगह आया है, सूरह बकरा से शुरू होता है तो सूरह 7 तक आया किस्सा हो, ये 7 जगह अल्लाह तबारक व तआला क्या बताता है सूरह आराफ में, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश्शैतानु कमा अखरजाकुम मिनल जन्नत। देखो अल्लाह ताला कभी बोलता है ईमान वालों, कभी बोलता है लोगो ऐ काफिरों, लेकिन यहाँ बोलता है आदम के बेटो शैतान तुम्हें फितने में ना डाले, क्यों, इसलिए कि उसने तुम्हारे बाप दादा को जन्नत से निकाला था। इस वक्त समझिए आप,
जब आदम ने आदम और हव्वा को नहीं छोड़ा तो आदम की ज़ुरियत को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। लिहाजा शैतान को अल्लाह ने जिंदा रखा कियामत तक हमारी आजमाइश के लिए। लिहाजा हम जब कभी आदम का किस्सा पढ़ते हैं तो हमारे जहन में यह जिंदा होना चाहिए कि शैतान हमारा दुश्मन है। और वो सूरह कहफ जिसको हम हर जुमा पढ़ते हैं ना, यह आयत जरा गौर नोट कीजिए, उसमें यह आयत आती कहफ में, अफतत्तखिदूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदू। अल्लाह कैसे वाज़ह से पूछता है जो मेरा दुश्मन है उससे दोस्ती करने जा रहे हैं? हम आपसे पूछते हैं सवाल, आपकी कोई दुश्मन है? अभी कोई दुश्मन है तो क्या कोई आपका दोस्त उस दुश्मन से दोस्ती करता? नहीं करता। आप उस बोलते हैं उससे दोस्ती मत करो इसलिए कि मेरा दुश्मन है। तो जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शैतान हमारा दुश्मन है तो उससे दोस्ती करने वाला दुनिया और आखिरत में बहुत का नुकसान उठाएगा। और उससे फिर मौलद खवातीन अपनी औलाद को शैतान से बचाने के लिए, और एक नोट के लिए, औलाद को शैतान से बचाने के लिए क्या करना? सुबह शाम قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بار بار پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ مغرب الفجر میں تین تین مرتبہ اس کو پڑھتے تھے ذرا سوچ کر پڑھیے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ یہ صورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت دیکھیے ہاتھوں میں پھونک کر جہاں تک ہاتھ جاتا پورا جو ہے مکمل طور پر ایسا کر کے سوتے تھے اچھا یہ دعائیں کیا ہم پڑھتے ہیں پہلا سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپ بچوں کو ہم اپنی دعائیں پڑھاتے ہیں نہیں حال ہے ایسا حال کیا ہے کھانا کھائے دعا بھی نہیں پڑھے پلیٹ ڈھکے لے جا کے جانور کی طرح پڑھ گئے अब क्या होगा दिन भर जो डरावनी फिल्में देख रहे हैं भूत के चीजा पूरे रात में बच्चे डर के उठ जा रहे हैं ये आप लोग सबसे पहले आदत डालो कोई भी जो है दिन और रात ये न गुजरे जिसमें आप ये सूरतें ना पढ़े कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास ये देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्लूब मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो बीमारी में भी वो वजीफा नहीं छूट रहा है आपने क्या कहा आयशा से अरे आयशा जब मैं अच्छा था पढ़ता था आज मैं क्या है नहीं पढ़ पा रहा देखो माशाल्लाह ये और बोले तुम्हें पढ़ कर मेरे ऊपर दम करो ऐसा होता है क्या हमारे घरों के माहौल में अगर शौहर बीमार हो जाए तो क्या बीवी उस पर दम करती है क्या बीवी बीमार हो गई तो शौहर उस पर दम करती है बल्कि आज की औरतों में बड़ी माजरत के साथ सब्र इतना कम हो गया है ऐसे मिसालें भी हम देख रहे हैं आज कि शौहर बीमार हो गया उसकी खिदमत करने भी हो रहा है देखने भी नहीं हो रहा है तला फुला लगा वो चले जाते ऐसा आयशा ने ऐसा नहीं किया आयशा ने क्या किया पढ़ के दम किया लिहाजा इन सूरतों को पढ़कर दम कीजिए अपने बच्चों पर अच्छा छोटे छोटे बच्चे होंगे ना वो लोग पढ़ नहीं पाते उसे क्या करना माएँ क्या करना सोने से पहले उन पर पढ़ के दम करना चाहिए ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों के बारे में कहा ये सूरतें बड़ी बेहतरीन हैं ये वो सूरतें हैं जो तौरात और इंजील में भी नहीं उतरी जब बंदा इन सूरतों को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएगा ये सूरतों को मामूली मत समझिए और एक बात भी है ये सूरह फलक में सूरह नास में उलमा एक फर्क बताते हैं ये फर्क क्या है सूरह फलक जो है ना ये बाहर से आने वाले शर से पना मांगी गई है उसमें फलक में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गा व मिन शर्रि नफ्फाथात वो बाहर से आने वाले शर और सूरह नास में इंसान के अंदर में जो शर है उससे पना मांगी गई है कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाही नास मिन शर्रिल वसवासिल देखिए उसके सीने में वसवासा डालता है शैतान तो मालूम क्या हुआ ये फलक बाहर से आने वाले शर से हमें बचाता है और अंदर से जो शर आता है उससे बचाता है ये कौन ये सूरह नास लिहाजा इसको पढ़िए और अगर पढ़ने नहीं आता कम से कम मैं समझता हूँ ईशा के बाद हमारे पास एक ऐसी मतलब फाइल कुछ होना चाहिए उसमें क्या करना है रात के अदका क्या क्या आयतुल कुर्सी फला फला और शैतान से बचाने के लिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया जो बंदा रात में आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है रात भर फरिश्ता उसकी हिफाजत करते रहता है यहाँ तक कि वो सुबह हो जाए लिहाजा अपने बच्चों को शैतान से बचाने के लिए क्या करें फलक को नास पढ़ के दम करें लेकिन इसके अलावा आज हम माशरे में देखते हैं बच्चों को जिन्नात के हमले शैतान के हमले से बचाना बोले तो कुछ लोग यहाँ डोरी बांधते काली डोरी कुछ लोग पैर में बांधते हद तो ये है कि कुछ अपने लड़कियों को जो है वहीं बांध लेते हैं कहाँ जिस्म में कभी यहीं बांध लेते हैं ये सब चीज़ें गलत हैं
देखिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े अदब कदर सहाबी, एक दिन उन्होंने अपने बीवी ज़ैनब को देखा कि ताला बंद हो गया। मुझे क्या जा रहा है, क्या भी नहीं, अम्मी के घर को गई थी, वहाँ लोगों के पड़ को बोली सका है, हम चाहते तो छोड़ा था क्या, तभी बीवी जहन्नम में गई तो क्या है, लेकिन हमारे सहाबा ऐसा नहीं थे। मालूम था अगर मैं अपनी बीवी को छोड़ूंगा तो बच्चों पर अकीले का असर होगा, लिहाजा अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको काटा कर दिया और बोले सुनो ज़ैनब, ये बात याद रखो, अब्दुल्ला का खानदान शिर्क से पाक है। ऐसा हो ना, अगर हम कहीं भी कोई तावीज़ गलत चीज़ें क्या भी देखते हैं तो अच्छे अंदाज से क्या करना, उसको मुकम्मल तौर पर दूर करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा अपने बच्चों को शैतान से महफूज करने के लिए सारी चीज़ें बताओ। और एक बात भी है, बच्चों को शैतान से महफूज रखने के लिए शैतान से कभी डराना नहीं। हमारी माएँ कुछ क्या करती हैं, खाना नहीं खाते भाई शैतान आ गया, कहाँ वाले कपड़े पहनने को, ये गैरुल्लाह से डराना ही है। अगर आप बचपन में अपने बच्चों को शैतान से डराए, वो बड़े होकर उम्र में बुजदिल बनेंगे। अपने बच्चों को बोलना, देखो बेटा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे था मालूम, जिस रास्ते से उम्र जाते शैतान अपना रास्ता बदल लेता था, तुम्हें भी अपना अखीरा वैसे बनाओ, तुम्हें चले तो शैतान बदलना, रास्ता चेंज कर लेना उन्हें, वैसा ऐसा सिखाना नहीं। सोच क्या करते लोग, शैतान आ रहा है गली में उठा ले खा ले, तो ऐसा। और क्या करते हैं, बच्चों को खाने से तो वही देखते हैं, डरावनी फिल्में, कहाँ तस्वीर आ रही, त्रिशूल आ रहा है, हनुमान आ रहा है, वो सब चीज़ें देख करके वो बच्चों को डराते नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों को न डराएं। सोशल मीडिया से और बाद देखते किताबों से डराते हैं, भूत दिखाते हैं, और बाज़ माएँ ऐसे करती हैं अपने बच्चों को डराती हैं, कैसे, अगर शरारत करे तो रूम में डर दो, अंधेरा बंद कर दो। कभी ऐसे भी होता दरवाजे के पीछे खड़े बच्चों को डराते, नहीं, बच्चों को बचपन से मन डरावा। अगर आप गैरुल्लाह का डर बनाएंगे ना, बड़े होकर वो उनके अंदर हिम्मत नहीं आएगी, लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दें। तो एक बात क्या हुई, हमें और दुआ करना, और दूसरी बात यह है कि हमें औलाद को आजमाइश के साथ साथ नेमत दोनों समझना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि अपने बच्चों को शैतान से बचाने के लिए ये तमाम काम करते रहना चाहिए। और एक बात भी है, बड़ी अहम है, और खुसूसन नेल्लोर के माहौल को रखकर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। यहाँ क्या है, माशाल्लाह दावत का काम हो रहा है अच्छे तरीके से, हर औरतों में। आप क्या कर रहे हैं, दावत से मुतल्लिक जो आयतें याद करते हैं, पढ़ते सब कुछ हैं, लेकिन एक बात की ज़रा कमी है, वो कमी ये है कि यहाँ के मस्जिद में, मदरसे में, अपने घरों में ज़रा इल्मी माहौल पैदा करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। हमारे पास होता क्या है, जो लोग राग से बोलते हैं, जो लोग हाथा फैलाते हैं, जो लोग चीखते हैं, जो लोग वास्कोट पहन के आ जाते हैं, शेरवानी पहनने का आ जाते हैं, हम उनको बड़ा आलिम समझ जाते हैं, ये बड़ी गलती। अगर कोई आदमी मामूली अंदाज का आदमी, मतलब क्या आदमी नहीं उनके पास, क्या 300 के चप्पल है, मामूली जुबला पहन लेकर, क्या आदमी नहीं उनके पास, लिहाजा लोगों को उनके लिबास से मत फेंको, आप देखो कहाँ से ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो दो। तो अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत करना है तो सबसे पहले उनको इल्म देना चाहिए। देखो इल्म के बगैर तरबियत हरगिज़ नहीं कर सकते, एक अहम बात। ये कहाँ से मालूम होती है, गैर मौजूद अलैहिम वलज़ालिम से मालूम होती चीज़ें, कैसे देखिए, अल्लाह ताला ने यहूदियों को कहा कि वो मौजूद हैं जिन पर अल्लाह का गुस्सा उतरा है, और क्रिश्चियनों के बारे में कहा कि वो ज़ालिम हैं, गुमराह हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, सुफियान इब्ने उयीना रहिमहुल्लाह कहते हैं, बहुत सही बात है, यहूदियों के अंदर इल्म था, अमल नहीं था, इसलिए क्या हो गए, अल्लाह के गुस्से का शिकार हो गए। इल्म था क्या, नहीं था, अमल नहीं था। इनके पास कैसे था, क्रिश्चियनों के पास अमल था, इल्म नहीं था। हमको दोनों का नहीं चाहिए, हमें क्या होना, इल्म के साथ अमल करना। अगर समझिए, आदमी के पास इल्म आ गया, अगर अमल नहीं गया उन्हें यहूदी, अगर अमल आ गया इल्म नहीं आया उन्हें क्रिश्चियन बन जाता। लिहाजा हमारे पास क्या होना, आप अल्लाह से क्या बोलते हैं, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, किन का रास्ता, नबियों का, सिद्दीकीन का, शहदा का, सालिहीन का, नेक लोगों का रास्ता, उन लोगों का रास्ता दिखा जिनके पास इल्म भी है अमल भी है। जिनके पास इल्म है वो रास्ता नहीं चाहिए, अच्छा जिनके पास खाली अमल है इल्म नहीं वो भी नहीं चाहिए, दोनों मिलकर चाहिए। जैसे आप लोग समझिए, आटा गूंद रहे हैं, आटा गूंदते हैं आप, उसमें नमक डालते नहीं डालते हैं, डालते हैं, नमक में आटे में नमक डाले बगैर रोटी फिक्की पड़ती, इस तरीके से इल्म भी होना साथ में अमल भी चाहिए। और यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अल असर में यूं बयान फरमाई है, वल असर
इन्नल इंसान लफी खुसर, दुनिया में उखरवी घाटे से बचने के लिए चार काम करो, ईमान लाओ और दूसरा अमल सहले करो और हक की वसीयत करो और हर सबर की वसीयत एक दूसरे को करते रहो। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू नबी से लेकर देखो अल्लाह तआला ने आदम को भी इल्म दिया था, उसके बाद हजरत सुलेमान को भी इल्म दिया, हजरत दाऊद को भी इल्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, मूसा को दिया, इब्राहिम इस्माइल सबको दिया, बगैर इल्म की तरबियत नहीं आ रही। शायद आप लोग बेजार हो रहे हैं, थोड़ा सोने के आसार दिख रहे हैं, गौर से सुनी बात यह है, सुबह जब उठते हैं आप नमाज फजर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्कन तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ये दुआ आप लोग याद होगी ना, अरे अल्लाह हम तेरे से नफा बख्श इल्म का सवाल करते हैं, अरे अल्लाह हम तेरे से रिज़्क हलाल पूछते हैं, अरे अल्लाह हम ऐसा अमल करते हैं जो कबूल हो जाए। ये दुआ सुबह उठते ही हम लोग व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देखना, सुबह उठते ही फेसबुक नहीं खोलना, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं उठाना। हम लोग देखते हैं नमाज फजर को उठे, अजान का जवाब भी नहीं, उसे पता था लास्ट सीन 5:15 देखो अजान आ रही है, व्हाट्सएप देखते हैं। ये क्या है, जरूरत है, इसे सर पे चढ़ा लेंगे तो क्या होगा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के अलावा रुकावट बनेगा। सुबह उठकर अल्लाह के नबी क्या दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया नफा बख्श इल्म का। अब्दुल रज़्ज़ाक अल-बद्र हफ़िज़हुल्लाह मदीने के मशहूर आलिम अदीब वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे उठकर क्या करते थे, अल्लाह तबारक व तआला से नफा बख्श इल्म का सवाल करते थे, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा इल्म दे जिसका फायदा मुझे दुनिया में भी हो, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा इल्म दे जो खबर में भी मेरा नफा बख्श हो और ऐसा इल्म दे जो आखिरत में मेरे लिए नजात का जरिया बन जाए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन आप ये बात गौर से सुनें, हमारे पास जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बात आती है कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को मदरसा भेज देते हैं, क्या बोलते हैं दीनी इल्म पढ़ा रहे हैं। कुछ माएँ क्या करती हैं अपने बच्चों को कॉलेज भेज दे, बोलते दुनियावी इल्म पढ़ा रहे हैं। आज की तारीख से ये जहन से निकाल दो, इल्म दीनी दुनियावी असरी कुछ भी नहीं होता। इल्म की दो किस्में, एक होता है नफा बख्श इल्म और दूसरा होता है नुकसानदेह इल्म। ऐसा ही है, ये करके क्या हुआ मालूम है, ये करने के बाद नुकसान क्या हुआ, ये दीनी इल्म दुनियावी इल्म मदरसे में पढ़ने वाले दीनी बच्चे जो होते हैं उनको गिरा कर देखते हैं लोग, और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये बच्चा हमारा अंग्रेजी पढ़ रहा है, हमारा बच्चा बड़ा होकर कलेक्टर बनता है, सीट उठती MBBS आ रहा है, नेट का एग्जाम पास कर रहा है, क्या हो गया, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को फकीर समझ रहे हैं और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आप मालदार समझ रहे हैं। यह गलत कहने देखिए, ये दीनी दुनिया में बोलने का दूसरा नुकसान क्या हुआ, ये दीन पढ़ने वाले दीन पढ़ के इधर रह गए और ये दुनिया में इल्म पढ़ने वाले वहीं पढ़ के रह गए। अब होता क्या है मदारिस में देखिए, दीनी इल्म के साथ साथ उनको टेंट कराया जा रहा है, एक तरफ हो रहा है माशाल्लाह स्कूलों में, सब देखिए मोहम्मदिया है, उमराबाद है, मालेगांव है, हर जगह इंतजाम है, लेकिन हमारा सवाल ये है स्कूलों जो और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को क्या दीनी तरबियत की हम फिक्र कर रहे हैं, क्या हम उनको अकीदा सिखाते हैं, क्या हमें उनको फिक्र कर रहे हैं। हमारा बच्चा अगर मैथ्स में और इंग्लिश में 100 नंबर ले लिया मिठाई का डब्बा आता, अगर मेरी बेटी या बेटा जुजामा पूरा याद कर लिया तो घर में क्या भी खुशी का माहौल नहीं। देखिए हमारे जहनों पर ये दीनी दुनियावी असरी का जो नुकसान हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, यह बहुत बड़ा नुकसान, इसको छोड़ दीजिए। दुनिया में क्या दो ही नफा बख्श इल्म, नफा बख्श इल्म बोले तो क्या नफा देने वाला इल्म। आप इंजीनियर बनो वो भी नफा दे रहा है, आप टेंथ पढ़ो वो भी नफा दे रहा है, स्कूल में जाके पढ़ो और कॉलेज में पढ़ो मदरसों में पढ़ो वही क्या है। अगर आप दुनिया को नफा देने की नीयत से स्कूल में पढ़ रहे हैं तब भी आप करना बाई से अजर सवाब, अगर आप मदरसे में पढ़ रहे हैं तो वो भी बाई से अजर सवाब है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफा बख्श इल्म का सवाल करते थे और जो इल्म फायदा न दे उससे पनाह मांगते थे। दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी औजू बिका मिन इल्मिन ला यन्फा, ऐ अल्लाह ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफा न दे। अच्छा नफा बख्श इल्म तो समझ में आ गया है, कुरान का इल्म हदीस का इल्म टेंथ इंजीनियर फलां फलां डॉक्टरेट पूरा। अच्छा नुकसानदेह इल्म क्या होता है, ये भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। नुकसानदेह इल्म क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जादू का इल्म रखा लोगों को आजमाने के लिए, जादू का
علم سیکھنا سکھانا کفر ہے، ایک بات. دوسری بات، اس طریقے سے نقصان دہ علم میں اور ایک علم آتا، میوزک کا علم، ڈانس کی کلاسیں. ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، 15 اگست کو 26 اگست کو بچے ناچتے ہیں، ہمارے بڑے ماں باپ خوش ہو جائے، ہمارا بچہ دیکھو فلم کی لیڈ اسٹار پڑھ رہا ہے، وہ کیا بولتی ہے امی ہم نہ پڑھائے وہ یوٹیوب میں ڈال دیے، انہیں کیا کرتا ہے وہ یوٹیوب میں وہ رکھ لے کے وہ سارا انگلش نام رکھ لے کے کیسا ناچے ویسا ناچتا ہے. تو لہٰذا ڈانس کا علم، اور اسی طریقے سے یہ میوزک کا علم، اور اس طرح ستاروں کا علم. لوگ جو ہے ستاروں کو دیکھ کر ریت بتاتے، دیکھو آج صبح میں نلور میں بارش کئی ہوئی تھی کل رات میں ستارہ آ گیا تھا، ایسا ستاروں کا علم. تو لہٰذا جو نقصان دہ علم ہے وہ نہیں سیکھنا چاہیے، جیسے ہم نے بتایا ڈانس کا علم، موسیقی کا علم، ستاروں کا علم، اور اس طریقے سے جادو، یہ سب سیکھنا کفر ہے، ان کا سیکھنا نقصان دہ ہے. لہٰذا آپ کے ہماری بچیاں اگر کرسچنوں کے کالج میں پڑھتی ہیں تو ان کو میوزک کے فتنے سے اور گانوں کے فتنے سے اور ہر طرح کے فتنے سے بچا کر رکھنے کی مکمل طور پر کوشش کریں. تو لہٰذا آپ سمجھتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے، یہ دینی دنیا میں عصری علم کے تفریح چھوڑ دیجیے، اپنے ذہن میں یہ رکھیے میں اپنے بچے کو نفع بخش علم پڑھاؤں گی. اور اگر معاشرے میں جائزہ لیا جائے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں، مدرسے میں بھیجے تو بچہ فقیر بن جاتا، زکات کا مال کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، ایسا لوگ سوچ رہے ہیں. اگر بچے کو اسکول میں بھیج دیے تو ماشاء اللہ بڑا بچہ پڑھتا بھی. اور آج کل کیا ہے، اچھی اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں بھی آج ہم دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے اندر ایسا ہے اگر میری شادی کسی انجینئر اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ہو جائے تو بڑا اچھا ہے. اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب کو لڑکیاں نہیں دیتے، بولتے نہیں، بولے مولوی صاحب کو دونوں کو بھکا مارا ہوتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں غلط ہیں، تقدیر پر ایمان کی کمزوری سے آتی ہیں. لہذا ان تمام چیزوں کو آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں. نفع بخش علم ہے، ہر وہ علم جو آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے آپ اس کو پڑھاؤ. لیکن یہ بنیادی بات آپ کو بتاتے ہیں، یہ بات یہاں یہ لکھا بھی ہوا ہے، وہ کیا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے بچے یا بچی کو اچھا مسلمان بناؤ، بعد میں چل کر اسے انجینئر بھی بناؤ، کلیکٹر بناؤ، سی ایم پی ایم سب بناؤ. آپ اسے کچھ بھی نہیں کہتے بچپن سے. کیا ہوتا ہے، ایک بڑے اسکول میں جا کے پوچھتے ایل کے جی کی فیس کتنی ہے، 1 لاکھ روپے دینے تیار، گھر میں پڑھانا پڑھانے والے کو 100 روپے جیب سے نہیں نکلتے. دیکھیے آپ اپنے بچے کو انگریزی پڑھانے کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ کرنے تیار ہیں، پڑھانا پڑھانے والے کو 100 روپے، 50 روپے، سال بھر میں 200 روپے، 5000 روپے، ایسا. تو یہ کیا قرآن پڑھانے والے کو ایسے گرا کر دیکھنا یا بڑے بڑے سے کر کے دیکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ دینی دنیا میں تفریح آنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لہذا اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن یاد کراؤ، یہ بڑی اہم بات ہے. اور ماشاء اللہ فاروق بھائی کی محنت کی وجہ سے اس میں دیکھ رہے ہیں آپ، بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں حفظ بھی کر رہے ہیں، ایسے ہونا بھی چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ، 7 سال کی عمر میں ماشاء اللہ حافظ قرآن، اور عرب میں آج بھی ہے یہ، آپ بھی جا کے دیکھیں گے آپ، وہ 4 سال میں 5 سال میں ماشاء اللہ پورا ناظرہ ختم ہو جاتا، 7-8 سال میں کیا ہوتا بچہ حافظ قرآن بن جاتا. امام شافعی رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، دیکھو من حفظ القرآن عظم قیمت، جو آدمی قرآن یاد کر لیتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں جو آؤ بچہ یا بچی حافظ قرآن بنتا نا، اس کی برکت کے بارے میں پوچھو مت. جس کے سینے میں قرآن آ گیا دنیا کے سارے علوم اس کے لیے آسان ہیں. میں خود اپنی سالی کے بیٹے کی بات کرتا ہوں، عمر آباد سے فارغ ہوئے، اس کے بعد وہ کیا کرے ایم اے بی ایم بی اے، اس کے بعد ایم بی اے کرے، سب کرے ماشاء اللہ، عالم پلس حافظ پلس ماشاء اللہ بنگلور میں کمپنی اوریکل نام کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، 50,000 تنخواہ ہے ان کی، 5 دن کہیں اوریکل کمپنی میں کام کرتے ہیں ماشاء اللہ، 2 دن عمر آباد میں پڑھاتے ہیں ہفتہ اتوار ماشاء اللہ، یہ دیکھیے یہ 2 ہو گئے، اس کے علاوہ خطبہ جمعہ کو بھی جاتے ہیں، اور رمضان ہوا تو بھی ماشاء اللہ کمپنی سے ان کو اجازت ہے پورا مہینہ ورک فرام ہوم، دن بھر کام کرو شام میں تراوی سناؤ، سامنے کھڑے تو ماشاء اللہ قرآن اچھی طرح یاد ہے، داڑھی بھی رکھیں، سب طرح زندگی ماشاء اللہ کچھ اچھی گزر رہی. تو ہم کو بتانا کیا چاہتے ہیں، اسلاف کی زندگیوں میں برکت ایسی تھی جب وہ قرآن پڑھتے تھے ان کے ساری چیزیں ہو جاتی تھیں. آج دیکھو ہمارے بچے پلس ٹو پڑھ رہا ہے، فرن ہوگا نہیں، نورانی فائدہ آدھا ہو پڑھ رہا ہے، کہاں زندگی آئے گی برکت میں.
यानी औरतें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कभी ऐसे होता है कि तफानिया बचपन में जो तदस्सुर याद करे उसी को पकड़ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। गलत बात है, जिस किसी ने हमें कुरान ना हो, जो बाद में कुरान ना पढ़े, जिंदगी में बरकत कहाँ से आएगी। लिहाजा स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान पढ़ना, पढ़ाने की तरफ तवज्जो बहुत ज़रूरी है। वो कैसा है? हमें अपने हर बच्चों की पूरी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। कैसा मतलब उनके लिए नोटबुक लेकर देना, सब देना। बच्चा बोलता अब्बू ये जुजामा ख़त्म हो गया है, मुझे हजरत अली फलाम लागो दियो, बोले तो ये एक महीने के बाद ला कर देता है, देखो कुरान से मोहब्बत कैसी। ऐसा सौतेलाना सलूक, सौतेली माँ अपने बच्चों से जो सलूक कर रही है वो कुरान से वो हम सलूक कर रहे हैं। लिहाजा कुरान की तालीम को आम करना, पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। हर बाप कुरान पढ़ाने के लायक होना, हर माँ कुरान पढ़ाने के लायक होना। हमारे घरों में क्या है, बच्चों को कुरान घर में बैठ कर पढ़ाओ, बोले तो नहीं बच्चा हमारे पास उन्होंने बाहर भेजना उसे, वो बाहर बैठ के आदत करते नहीं होना चाहिए। हम कुरान क्या खुद घर में पढ़ना चाहिए। और रमज़ान का मौका आए तो अपने बच्चों को लेकर बैठे, मेरा अपना तजुर्बा है कुरान रमज़ान में अपने बच्चों को लेकर बैठे, एक महीने में इंशाल्लाह अपने बच्चों को रमज़ान की बरकत से कुरान पढ़ा सकते हैं। दूसरे वक्त में एक साल दो साल लग सकते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में कुरान अगर पढ़ाना है तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ उसका बड़ा अच्छा मौका है। और उसी तरीके से अपने बच्चों को ईमान के अरकान बताओ, इस्लाम के अरकान बताओ। और एक बात भी है, बच्चों की तरबियत क्वेश्चन आंसर की शक्ल में अगर हो तो बहुत अच्छा होता है। आप कैसे अपने बच्चों से पूछना, नबी की बेटियों के चार नाम बता सकते हैं आप? नबी के कितने बच्चे थे, नबी की बीवियाँ कितनी थीं, किसकी हदीसों की तादाद कितनी है, वो भी याद कराना बच्चों को। आयशा को 2000 हदीसें याद थीं, हजरत अबू हुरैरा को 5000 हदीसें याद थीं। ये बोलो बोले तो बच्चे क्या बोलते, कौन सा खिलाड़ी कहाँ कितने सिक्स मारा, छः बल में कौन से सिक्स मारा, बच्चे हमें फौरन बोलना थे। लेकिन ये नहीं बोलते बच्चों को कुरान की सूरतों के नाम याद दिलाओ, हर दिन में 5-5 नाम याद दिलाओ। 114 नाम कैसे याद होते हैं हमारे बच्चे, कैसे करना मालूम? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जैसे करते ना, वैसे इस्लामी महीनों के नाम भी एक ही सांस में बोलना। उनको ऐसी प्रैक्टिस कराना, सूरह फातिहा से नास तक 3 सांस में पूरे सूरतों के नाम ऐसे ही मुकम्मल तौर पर करना चाहिए। और उसी तरीके से है, और एक बात भी है वो ये है कि उनके जहनों में गलत नमूने हरगिज मत बिठाओ। क्या मतलब है? मतलब ये है उनके जहनों में गलत मतलब नहीं बिठाने का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर मलिका विक्टोरिया यानी तो कोई और नाम, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ऐसा नाम बोल के उनकी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। और वो क्या होता है, सिलेबस के गाँव में रहता हो, वो नाम पढ़ा के जहन बिठा देते हैं, कब पैदा हुए कब मरे। लेकिन हमें उनको नहीं बताते, देखो देखो तुम्हारे लिए अगर नमूना कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत साहब अगर हम बचपन से उनके जहनों में बिठाना चाहिए अल्लाह के नबी की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मोहब्बत करते थे। और एक बात इस वक्त ये भी है, नबियों के किस्सों से अपने बच्चों की तरबियत करो। अगर आप ये करना चाहते हैं सबसे आसान है क़िसासुल अंबिया किताब अल्लामा इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह की, क़िसासुल अंबिया उर्दू में मिलती है, वो किताब खरीद कर आप अपने घरों में रखो, पढ़कर सुनाओ। कैसा करना उसके लिए तजुर्बा, अमली तजुर्बा देखिए। क्या करना, घर में पूरे बच्चों को बिठा डालना, माँ है बाप है, क्या करना एक आदमी पढ़ते जाना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे थे, बीच में रुक के बच्चों को पूछना क्या पढ़े तो हमें एक पैराग्राफ पढ़ना, फिर सवाल करना। ऐसा सुबह शाम अगर हमारे घरों में क्लासेस हुई तो माशाल्लाह हर घर में तालीम रहेगा। बचपन में अगर हम उनको बता, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसे हम बोले सीरत की किताबों के भी मुकम्मल तौर पर हमारे में मुताला सुबह शाम होना चाहिए। एक एक बनाओ टाइम टेबल बनाओ, हफ्ते के दिन सीरत की क्लास, इतवार के दिन फला क्लास, तरबियत क्लास, इससे अगर ऐसे आप करेंगे ना माशाल्लाह जिन घरों में ऐसे होता है उन घरों में तरबियत बड़ी बेहतरीन अंदाज की होती है। और उसी तरीके से अगर बच्चों अगर मतलब घरों में इल्मी माहौल पैदा करना हो, बच्चों को इल्म देने से पहले माँ बाप के अंदर खुद इल्म चाहिए। आजकल क्या होता है, ऐसे सुनते हैं अपने घरों में, देखो बाप मेरे अम्मा अब्बा मुझे नहीं पढ़ा है, मैं तुम ना कम अज़ कम पढ़ा दूँ। बात गलत है, आप भी इल्म हासिल करना।
आपको नमाज का सही तरीका मालूम रहना, ज़कात का, रोजे कितने कैसा टूटता, वो सारी चीज़ें जब मालूम नहीं और माँ हो तब ना बाप को मतलब बेटे बच्चों को मालूम होगी। अगर माँ ही को मालूम नहीं है तो बच्चों कैसे मालूम होंगी। लिहाजा ख़वातीन इल्म हासिल करें। दावत क्या है थे, पढ़ लेने से आदमी आलिम नहीं बनता। आप एक तरफ से मुताला शुरू करें। कैसे है, चावल रखकर है कुकर में उबल रहा हो तो क्या करना, उस वक्त कोई किताब ले लेना पढ़ना। आप कहीं भी हैं अल्लाह का जिक्र करते रहो, कुरान पढ़ते रहो। ऐसे करके कितना पढ़ सकते हैं आप माशाल्लाह। हजरत सहाबा इकराम हर सात दिन में कुरान पढ़ते थे, इसीलिए कुरान में सात मंजिलें। हमारे पास रमजान में कुरान पढ़ के खत्म हो गया था, दूसरा साल आए तो कितने पढ़े, 15 पढ़े। बड़े साल एक साल 360 दिन में सिर्फ 15 पढ़े। एक सफा पढ़ना कतरदलना बंद कर देना, फिर एक महीने में उठाना हो, लिहाजा इस तरह नहीं होना चाहिए। लिहाजा खवातीन इल्म हासिल करने के लिए सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। दुआ कैसे करना, अय अल्लाह तूने कैसे नबी की बीवियों को इल्म दिया, वैसे ही हमारे अंदर इल्म जज्बा पैदा कर दे। तो अल्लाह से ऐसे दुआ करना और उसके बाद जज्बा भी आना, ये जज्बा बड़ा अहम है। आजकल औरतों को आप देख लेते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे फिल्म हो या नहीं तो इंटरनेशनल फिल्म का इंतजार हो, सब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसी दीनी मजलिसें होती हैं तो ये शैतान क्या करता है, बड़ा बेजार कर देता है। आपके अंदर दुआ होना, जज्बा होना, सहाबियत कैसे इल्म हासिल करे वो भी मुकम्मल तौर पर देखना चाहिए। अच्छा, खवातीन इल्म हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना, उनके लिए क्लासेस का अहतमाम होना चाहिए। अब क्या है, बुलाते यहाँ भी शायद हफ्ते में एक मरतबा क्लास होती है, उसमें बहुत कम आते नहीं, काबिल जिक्र तदाद आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कितने थे, 15-20 थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो कितने थे, 1 लाख से ज्यादा सहाबा हो गए थे। लिहाजा हम देख रहे हैं दीनी महफिलों में लोगों के बढ़ने की वजह लोग कम होते जा रहे हैं। एक दिन 10 आए बोले तो आइंदा हफ्ते 5, इतनी दिन बेजारी हमारे अंदर। यानी मदरसे मस्जिद वाले उस मुअल्लिमा को रख के तनख्वाह दे रहे हैं, बार बार ऐलान कर रहे हैं, लेकिन कोई टस्से मसाने वाला नहीं है। तो इस तरीके से क्या होना, क्लासेस होना, खुतबा, खुतबा कितने अहम होते हैं। जुमा के दिन जब खवातीन मस्जिद में आती हैं तो अक्सर ये सुनने को मिलता है मस्जिद में आने के बाद बातें करने बैठ जाती हैं, तो बिल्कुल गलत है। जुमा के दिन मिंबर पर चढ़ने के बाद किसी भी मर्द औरत के लिए बात करना हराम है। आप इशारे से तब नहीं बोल सकते ना, अगर किसी ने किसी को इशारा किया जुमा का सवाब चला गया। लिहाजा देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हजरत सहाबियात कैसे अल्लाह के नबी के खुतबे को गौर से सुनती थी। ये उम्मे हिशाम बिन्त हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा वो कहती हैं, अल्लाह के नबी के जबान से सुन सुन कर मैंने सूरह कौ पूरा याद किया। माशाल्लाह, ऐसा हो ना, आज कैसे होता, खुतबा सुन के नीचे जाते मालूम नहीं क्या बोलेगी, या तो वादा करते रहते या तो मोबाइल ला के खेलते रहते या नहीं तो बेजार से सुनते। और एक बात याद रखिए, यहाँ पर फला आदमी खुतबा दे तो अच्छा रहता, वो सुनना क्या भी वो भी जरूरी नहीं है। कोई भी खतीब अपने अंदाज में किताब और सुन्नत की बातें पेश किया तो अमल के जज्बे से सुनना। आप लोग मजे के लिए जुमा नहीं आता, खाली सुन ले चल जाएंगे बोलिए नहीं, तो लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दो। और खुतबे को आने के बाद खामोशी से बैठना और जाते हुए मस्जिद से अल्लाह से दुआ करते जाना है, अल्लाह आज के खुतबे में जो अच्छी बातें सुनी है ना उस पर अमल करने की तौफीक दे दो। आप ये तजुर्बा करके देखो, इंशाअल्लाह जो बातें सुनते ना उस पर बाहर जाने के बाद भी माशाअल्लाह अमल करने का जज्बा आता। असल में होता क्या है, मस्जिद के बाहर होते हैं तो दिल की कैफियत और होती है, मस्जिद में आने के बाद कैफियत और हो जाती है। आप चाहते हैं ये कैफियत बहुत देर तक बाकी रहे, अफसोस क्या होता है बाहर चले जाने के बाद दिल वही वहशत का शिकार, वही पुरान आ जाती है। अल्लाह से दुआ करना, देखो ये दुआ नोट कीजिए, अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनी, ये दुआ बार बार पढ़ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनी, कहे अल्लाह मेरे दिल को तेरे दीन पर जमा दे। तो हजरत उम्मे सलमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा को बड़ा
अजीब लगा, क्या है अल्लाह के नबी का दिल तो इतना आपका दिल पाक है, आपको ये दुआ पढ़ने की बार बार क्या जरूरत है। तो पूछे या रसूलल्लाह ये दुआ बार बार क्यों पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह के नबी ने उस मौके पर क्या फरमाया, कहा देखो असल में, और सुनिए असल में बात यह है, इंसान का दिल अल्लाह ताला के दो उंगलियों के दरमियान में है, जैसे चाहता है वो फेरता है। अगर आप नेकी की तरफ जाना चाहेंगे फेरेगा, बुराई की तरफ जाने फेरेगा। तो दोनों ने क्या कहा, या रसूलल्लाह देखिए या रसूलल्लाह हम आप पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, आप पर जो कुरान उतरा उस पर ईमान लाए, क्या आपको डर है कि हमारे दिल बदल जाएंगे। ये कौन पूछ रहे, सहाबा किराम पूछ रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा नस भी उसमें शामिल है, जब जन्नती सहाबा को नबी के होते हुए दिलों के बदल जाने का अंदेशा है तो हम कौन, हमारा दिल कैसा। इसीलिए दुआ बार बार पढ़ो या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। और मालूम है इंसान का दिल जैसे हार्ट पेशेंट, अगर हार्ट हो तो जीता नहीं तो मर जाता। इसी तरीके से हमारी अपने जिंदगी का पर्दा मदार यही दिल पर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, देखिए जो औरतें अच्छे कपड़े पहनने को, अपने जाहिर के संवारने को सब कुछ समझती हैं, जरा इस पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अरे लोगो अल्लाह ताला तुम्हारे तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारे चेहरे की तरफ नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे आमाल की तरफ देखता है। लिहाजा अपने बातिन से बढ़कर, अपने जाहिर से बढ़कर बातिन की तरफ तवज्जो दो। ये दिल जो होता है ना, इसको संभाल कर रखो। अगर ये जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाए कितना जल्दी इलाज करते, ये मैं वो फला फला नहीं खाना, कड़क चाय नहीं पीना, दिल पर असर हो जा रहा है। लेकिन हमारा दिल अगर रूहानी तौर पर बीमार हुआ तो उसके इलाज के लिए हमने क्या कोशिश की, इसकी तरफ भी तवज्जो दो। और ये अपने दिल को सही करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वही करना चाहिए। जहालत का देखिए आज देख लोगों को हम देखते हैं नमाज होते ही सर पे से हाथ रख लेते हैं, क्या बोले तो वो क्या है समझ में नहीं आया, फलसफा क्या है, वो क्यों हाथ रख लेते हैं, और बालों को देखते हैं दिल पे हाथ रख लेते हैं। ये हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस साबित, मैं तो समझता हूँ ये करके इन्हों गलत करेंगे, बिद्दत ईजाद करेंगे, अल्लाह से करीब होने के बजाय अल्लाह से दूर होंगे, दिल भी ख़राब होगा दिमाग भी ख़राब होगा ऐसा करेंगे। बल्कि बाज हनफी उलमा ने खुद लिखा है उसमें, अगर किसी का दिमाग ख़राब हो गया है, अगर नमाज के बाद हाथ रखकर या कभी यू पढ़े तो दिमाग सही हो जाता। अब सवाल नहीं है कि क्या लोगों के पूरे दिल दिमाग ख़राब हो गए, सब लोग हाथ रख ले रहे हैं, बाल लोग तो ऐसा, बाल लोग तो बटन खोल के अंदर हाथ रख लेते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। राय रखिए दिल की इसलाह करना हो, दिल की इसलाह कुछ भी करना हो, अल्लाह के रसूल ने जो बताया वही सही। इना पीरा मुर्शिदा जाहिला आमिला कामिला, ये जो लोग होते हैं ना ये जो चीज़ें बताते कभी इन पर मुकम्मल तौर पर नहीं अमल करना चाहिए। और उसी तरीके से औरतों के अंदर जो है इल्म हासिल करने का जज्बा कैसा था, देखो अल्लाह के नबी से आकर ये सहाबिया कहते या रसूलल्लाह आपके पास कब देखे तो मर जाते, हमें कब इल्म हासिल करना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया दिन अपने मुकर्रर किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को भी इल्म सिखाते थे जज्बा कैसे होना चाहिए। आपको कभी भी इल्म हासिल करने का कोई भी मौका आया तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जैसे मैं आया आप आए, बहुत अच्छा, कोई भी आलिम आए कोई भी दर्स हो वहाँ जाओ, हत्ता कि मैं तो कहता हूँ छोटी छोटी बीमारी को हीला बनाकर खैर से महरूम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सर में दर्द हुआ सो गए, थोड़ा लचक मरा सो गए नहीं। हमारे हजरत सहाबा इकराम कैसे थे, परेशानी में भी इल्म हासिल करते थे। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा है, इनको मालूम होता है मदीने में एक सहाबी के पास हदीस से क्या करे, बोरियाँ बिस्तर ले लेके वो सहाबी के घर के दरवाजे पर जाके सो गए हैं मदीने की चिलचिलाती धूप में। दरवाजा खोले सामने कौन है, अल्लाह के नबी के चचा के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा। अंदर से खोलते कि दरवाजा, बाहर कौन, नबी के चाचा का बेटा मदीने के चिलचिला की धूप में इल्म हासिल करने के लिए आया है। तो क्या कहने लगे अंदर से आकर, अरे रसूलुल्लाह के चाचा के बेटे यहाँ क्यों आए हो। तो क्या बोलते, देखो मुझे मालूम था नबी की हदीस तुम्हारे पास है वो लेने के लिए आया। मैं क्या बोलते, घर वाले अगर तुमने बोले तो तुम्हारे घर तक लाकर पहुंचा देता। देखो इल्म हासिल करने का जज्बा कैसे था। हजरत साहब इकराम ना गर्मी देखते, ना सर्दी देखते, ना बीमारी देखते, ना तो सेहत देखते, इल्म के लिए अपने आप को वक्फ कर देते।
लिहाजा अगर आपके गोद में इल्म हो, आपके गोद में पैदा होने वाले बच्चों में इल्म आएगा। अगर आपके गोद में इल्म नहीं है, अपने बच्चों को क्या इल्म देंगे आप? लिहाजा इल्म हासिल करने की तरफ मुकम्मल तौर पर तवज्जो दो, कुरान पढ़ो। और क्या है, मैं समझता हूँ ये अहम बात है, फोन के गलत इस्तेमाल की वजह से आज औरतें इल्म से दूर हो रही हैं। ये बुनियादी बात है। क्या है, फोन जरूरत है, उसको लेकर हमेशा बैठे रहना। मैं खुद अभी बता दे रही, मैं ऐसा पकड़ा हुई है, ये वन प्लस फोन है, ये मेरी उंगली क्या है वो चार्जर के नीचे आई हुई है। अगर मैं ऐसा आधा घंटा पकड़ूं और नीचे रख दूं, उंगली में यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। मुझे बड़ी परेशानी हुई, क्या हुआ क्या हुआ? आखिर में मेरे भांजे ने कहा, यहाँ जो करंट वगैरह होता है ना, उसका असर पड़ता है। देखिए, आधा घंटा पकड़ने से ऐसा रात भर या घंटे घंटे अगर लेट कर देंगे, हमारी आंखों पर क्या असर होगा, हमारे दिल पर क्या असर होगा? क्या हो रहा है, इन सब गलत इस्तेमाल से हम हर चीज से दूर हो जाए। देखिए, ये फोन है, आप इससे इल्म हासिल कर सकते हैं। कैसे इल्म हासिल कर सकते हैं? माशाल्लाह, कितने ऐसे जूम की क्लासेस हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, पढ़ सकते हैं ना। क्या होता है, ऑनलाइन पढ़ो बोले तो शुरू में 500 रुपए देकर गायब हो जाना, 20 की जगह 3-2, तीसरे दिन क्लास बंद हो रही। याद रखिए, इल्म हासिल करने के लिए हमारे और आपके अंदर मुकम्मल तौर पर जज्बा होना चाहिए। मैं समझता हूँ आज हमारे अंदर इल्म होने की वजह से हर तरह की परेशानी हमारे अंदर है। आज खवातीन को ये नहीं मालूम कि नमाज छोड़ना कब है। आज खवातीन नहीं जानती जनाबत का गुस्ल कैसे दिया जाता है, फला फला किया जाता है। लिहाजा अपने घरों में इल्म हासिल करने के माहौल को मुकम्मल तौर पर बढ़ाओ। और एक बात ये भी है, कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चियों की दीनी तरबियत करना भी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। उन्हों क्या कर रहे हैं, 600 सफ़े, 800 सफ़े, 1000 सफ़े बड़े बड़े डिग्रियाँ पढ़ ले रहे हैं, मगर कुरान पढ़ने नहीं आ रहा है, जुज़ अम्मा याद नहीं। लिहाजा इन बच्चियों को जगह आप जब भेजते हैं तो साथ में दीनी इल्म हासिल करने की तरफ मुकम्मल तौर पर तवज्जो दो। और एक बात भी है ख़वातीन से मुतअल्लिक इल्म हासिल करने के बारे में, अक्सर ख़वातीन के बारे में सुना गया, ख़वातीन क्या करती हैं, बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा देखती हैं, कौन आदमी कितना अच्छा बोलता उसके पीछे पड़ गए हैं। लिहाजा गैर उलमा की यूट्यूब पर वीडियोस बहुत हैं, लेकिन समझता हूँ उनको देखने वालों में मर्दों से बढ़कर औरतें ज़्यादा हैं। नीचे कमेंट में लिखकर रहता है, भाई आपने बहुत अच्छा लिखा, मैं आपकी इस्लामी बहन हूँ। नीचे लिखते हैं, गैर इस्लामी मतलब गैर आलिम जो होता ना, उसके इल्म से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आप नाम ले लेना चाहते हो इसलिए कि भी अपलोड होगा, इसलिए एक आदमी इंजीनियर है, वो इंजीनियर में रहे सही है, अगर वो टही बनकर दीन बताना शुरू करे तो क्या करेगा, गलत कर देगा। और उस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास इंजेक्शन डालकर दवा देते रहता, और अगर उन्हें डॉक्टर बन गया तो क्या होगा, लोगों को मार देगा। गैर आलिम और आलिम में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए आप देखो, मिसाल देते यूट्यूब में ये जहाँ जहाँ बाल उठते हैं निकालना चाहिए बुलूगत के बाद, मर्दों को भी औरतों को भी, है ना वो मिसाल। लेकिन यूट्यूब में फोटो डाल दी गई है, एक तरफ बोलना तो उस तरफ फोटो आई, ऐसे हो सकता है क्या? लिहाजा आप लोग गैर उलमा से जहां तक हो सके बचने की कोशिश करें। उन्होंने जिस लाइन की है वो लाइन में जाएं। 10th के बाद क्या करना, प्लस 2 के बाद क्या करना, वो उनकी लाइन है, उनको क्या जरूरत है सवाल के जवाब देने की। इसीलिए एक इस्लामिक स्कॉलर से मुतासर होकर, कितनी औरतों ने अपना हिजाब निकाल लिया, नहीं वो स्कॉलर बोले चेहरे का पर्दा जरूरी नहीं करे। लिहाजा गैर आलिम जो होते हैं उनसे इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। और सिर्फ इसमें एक शख्सियत मुस्तस्ना है, वो अबू ज़ैद ज़मीन हबीबुल्लाह की, समझना, वो आलिम दिन नहीं है, लेकिन उनके बारे में वसीला अब्बास हबीबुल्लाह ने कहा कि आप उनसे इल्म ले सकते हैं। वरना उनके अलावा जितने भी लोग आलिम की तरह दिखते हैं उनसे इल्म हासिल मत करें आप, उलमा से और इल्म हासिल करें। कितने उलमा आपको मिलते हैं, ऑडियो भी है वीडियो भी, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो ऑडियो मिलता है, खुतबात सुने और मुकम्मल तौर पर जो है सारी चीज़ें सीखें। और अपने बच्चों को गैर उलमा के पीछे भागने से क्या होता है, गलत इस्लाम आपके जहन में बैठता है, गलत इस्लाम आपके जहन में बैठा क्या होता है, वही इस्लाम अपने बच्चों को देंगे। याद रखिए, दुनिया में किसी भी आदमी को अपनी जात की तरफ बुलाने की इजाज़त नहीं, हमें हक की तरफ बुलाना चाहिए।
अल्लाह अल्बानी रहमतुल्लाह का सबसे बड़ा कारनामा क्या था, उन्होंने किसी भी शागिर्द को अपनी जात की तरफ नहीं बुलाया बल्कि हक से जोड़कर छोड़ा। तो आप लोग भी गलत इस्लाम से फ़ायदा न उठाएं बल्कि जो सही इस्लाम पर तवज्जो उठाएं, और अपने बच्चों को ज़रा तहजीब भी सिखाओ, ये भी बड़ा अहम है। क्या है, हमारे बच्चे उसको लोग कॉलेजों में पढ़ते हैं, मर्द बच्चे पैंट शर्ट पहनते, औरतें पहनती हैं, होता क्या है बच्ची बड़ी होकर अपने माँ से बोलती है अम्मी ईद को ज़रा जींस पहन ले, जानते मुझे ये क्या नतीजा, इस्लामी तहजीब न सिखाने का नतीजा। आप अपने बच्चों को कोसी ऊंची स्कूल में पढ़ाओ मगर इस्लामी कल्चर उसे ज़रूर सिखाना, ये बड़ा अहम है। हमारे ख़वातीन बुरख़ा पहन के किसी के पीछे बैठती हैं, बुरख़ा थोड़ा सा उठता है तो अंदर से जींस पैंट नज़र आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाई जो मर्दों की मुशावत इख्तियार करें, और वो मर्द जो औरतों की मुशावत इख्तियार करें उन पर भी लानत की है। हमारे बच्चे क्या करती हैं, बोलती हैं टी शर्ट भी और जो है वो जींस पैंट में टी शर्ट पहनना चाहती हूँ मैं, वो पहन लेते बुरख़ा पहन लेते, ऐसा हो रहा है ये माहौल। तो इस्लामी तहजीब सिखाओ, वेस्टर्न कल्चर से जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को बचा कर रखो। हमारी शादियाँ होती हैं उसमें कैसे होता लिबास, छोटी बच्ची है ऊपर से पूरा इतना खुला है, जब छोटी बच्ची छोटे से जब उसे खुला रख के पहनाए तो बड़े होकर बुरख़ा ओढ़ के नोज पीस बनो तो क्या बोलती उन्हें, बचपन से आज़ादाना माहौल में पालना नहीं आना क्या करना सो हमें ज़्यादा नहीं। और एक बात भी है पर्दे के ताल्लुक से है, ये कुछ औरतें लेकर मान लेती हैं यहाँ तक ऐसे है वो पर्दा नहीं है, उसमें क्या होता है यहाँ का सब नज़र आता है, लिहाजा नोज पीसी का जहाँ तक हो सके इस्तेमाल करें। जो लोग पर्दे की पाबंद नहीं होती मैं समझता हूँ वो मान लेती जब चाहे नीचे खींच लेती है, नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसे मालूम होता है कि पर्दे से बेजार है, अल्लाह ताला कहे को पर्दा पैदा कर रहा ऐसी बात आती है। लिहाजा अपने बच्चों को इस्लामी तहजीब सिखाओ, और एक बात भी है इस्लामी तहजीब और कल्चर पर फख्र करना सिखाओ। इस्लाम ने हमको पैदा किया, अल्लाह ने ही पैदा किया, इस्लामी तहजीब पर फख्र करना। आज क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे, वेस्टर्न कल्चर पर जबान पर फख्र। आज क्या किसी मुसलमान को अरबी जबान पर फख्र है, अंग्रेजी जबान, अंग्रेजी जबान स्पोकन इंग्लिश, क्या अपने बच्चों को अरबी जबान सिखाएं। मैं पढ़ रहा था मदीने में 2002 की बात है, एक तालिब इल्म हमारा जाके अंग्रेजी लिखा ऐसा, आप क्या बोलेंगे अंग्रेजी लिखा माशाल्लाह सब फ्लैट तो क्या करो थाली मारो, लेकिन वो हमारा ये अरबी साथी नीचे जाकर उन्हें अरबी में लिखा, ये खिंजीरों और बंदरों की जबान है, ये हकीकत यही है। जबान अंग्रेजी सीखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अंग्रेजी जबान के साथ साथ अंग्रेजों का कल्चर, उनके पहनने ओढ़ने का अंदाज, उनके बात करने का अंदाज, अगर मेरा बच्चा या यस नो बोले तो क्या खुशियाँ होती, बस अगर तो 10 पास कर ले तो एंड्रॉइड फोन, अगर कुरान पढ़ के मुकम्मल करी तो घर में खुशी का माहौल इसमें यहाँ देखिए। तो इस तरफ भी अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर इस्लामी तहजीब सिखाओ। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के पास एक यहूदी आया, आकर क्या बोला, यहूदी बोला तुम्हारा नबी तुमने टॉयलेट के आदब सिखाता क्या, हमें रहते तो शायद शर्म से सर झुका लेते थे। वो सलमान ने कहा हाँ, बोले फखर से बोले हाँ हमारा नबी हमको सिखाता है ऐसे करना चाहिए। तो सलमान जैसे इस्लामी तहजीब को सर उठाकर जिए ना फखर से, वैसे हमारे बच्चों के अंदर भी होना चाहिए। लिहाजा ये तहजीब अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर सिखाई देना चाहिए। और उसी तरीके से खाने पीने के आदाब, पहनने ओढ़ने के आदाब, बातचीत के आदाब, बड़ों के आदाब भी सिखाना चाहिए। हमारे घरों में आप देखते हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान होती है, उस पर जो ये रहता तस्वीर उसमें ऐसे हंसत रहता, हिंदू और काफिर स्कूल में पढ़ते, टीचर भी ये हाथ से पीते, बच्चे भी हमारे ये हाथ से पीते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाएं हाथ से न पियो खाओ, इसलिए कि ये शैतान का तरीका है। ये हम दस्तरखान में बैठते ये हाथ में खाना यहाँ तक लग रहा है, बीच में अगर पानी जरूरत पड़े तो ये हाथ से उठा के पीते। आज का मामला भी कैसा है अल्लाह रहम करे, अगर कोई आदमी गलती कर रहा है उसे सही कर बोलता हूँ जय तुम्हारा काम तुम्हें देख लेते हो हमें कर लेते, ऐसा नसीहत कबूल करने का मतलब नहीं है। लिहाजा अपने बच्चों को बताओ सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से पीना, खाना कहाँ से खाना, खाना क्या भी नहीं प्लेट में खाना दाल लगा देना, टीवी देख ले खाते रहना, वो एक निवाला आँख में भी जाना सर कहाँ मिले, बैठे उठे न शुरू की दुआ न बच की दुआ कोई इंतमाम नहीं। लिहाजा खाने पीने के आदब क्या होते हैं और बड़ों के अदब भी सिखाओ। आजकल क्या है नानी दादी दादा नाना
तैयबा, बड़े अब्बू, ये अल्फाज भी गए और क्या हो गया, अदब भी चला गया। क्या बोलते आज के पोते और नवास है, बुड्ढा हमारे घर में है, क्या है? बहुत अलग बात है ये। देखिए, अगर आपके घर घर में बड़ों का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप जब दादा नाना बनेंगे आपके नवा से भी आपका मजाक उड़ाएंगे। ये दुनिया मुकाबले अमल है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो हम मुसलमानों में से नहीं जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों पर रहम नहीं करता और आलिम का हक नहीं देता। लिहाजा दादी नानी, दादा नाना, तैबा, ये चाचा, जितने रिश्ते हैं ना, इन रिश्तों का तकद्दस मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों के जहन में बिठाना चाहिए। कभी ऐसा होता है, अफसोस की बात है, माँ क्या करती है, बच्चों को नानी की तरफ खींचती है, बाप क्या करता है, बाप अब दादी की तरफ खींचता, नहीं, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, दादा की तरफ भी नानी की तरफ भी, दोनों की तरफ तवज्जो होना और मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों की तरबियत हिकमत से भी करना चाहिए। मसलन कैसे, मेहमान आके बैठे हैं, मौसम भी है, पक्ष है, ऐसे बोलो अनार रखा हुआ है, हमारे बच्चे आकर हाथ डालते हैं, हमें जोर से ऐसा मारते बोले को बच्चे अंदर भाग जाना, ये सही नहीं है। क्या करना चाहिए, अरब में हमने देखा, अगर कोई खाने की चीज लाकर रखे, बच्चे आए, जैसे मेहमान खाए उनको भी खाने का दो, कोई हर्ज नहीं। क्या हो गया कि आधा पफ खाए तो आप इज्जत चली जाएगी, कि अनार के दो दाने मुंह में चले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं, उनको खाने का। और तरीका दूसरे वक्त सिखाना, मेहमान आए तो कैसे बैठ के खाना, जरा खाना जरा छोड़ डालना, बाद में खाएंगे। अच्छा, मैं समझता हूँ ये हालत उस वक्त पेश आते हैं जब अपने बच्चों को पेट भर के नहीं खिलाते। दूसरे वक्त में क्या करना, कुछ माएँ ऐसी होती जो कंजूस माँ पहले जमा करके रखेंगे, शौहर का भी जमा करेंगे, घर बनेंगे, जगह लेंगे, फला करेंगे, अपने बच्चों का हाथ मार रहे हैं। जहाँ माल खर्च करना वाजिब होता है, वहाँ खर्च करना करना वही नहीं है। लिहाजा अपने बच्चों के अंदर हिकमत होना चाहिए। देखो, हम छोटे छोटे बच्चों पर मारते हैं, कैसे कैसे मारते हैं, कन पट्टी पर मारते हैं, क्या होता है, नतीजे में कान बड़ा हो जाता है, पीठ पर ऐसे मारते हैं, बोलते हैं ऐसा मार मार तो मैयत पड़ जाना चाहिए। अल्फाज, ये अल्फाज ही क्या है, मतलब याद रखिए, आप बच्चों को मारना कभी बोला मैं बता, देखो कब मारना है, सिर्फ नमाज के लिए मारना, वो भी 10 साल के हो गए तो। और बल्कि उलमा ने यही बताया, शौबेज में जो जानवरों की तरह मारा जाता है ये भी गलत है। हमारे बच्चे हिचकने जाते ऐसा पीटते वहां जानवरों की तरह, एक हफ्ते में भाग भाग जाता, गलत है बात ये, छोटे बच्चों को। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, 7 साल के हो गए तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो गए तो नमाज नहीं पढ़ने पर मारना। हमारे बच्चों को एक बात नहीं सुने तो दो बार नहीं तीन बार ऐसा मारते, अब वो भी कैसा मालूम, दोनों मिलकर मारना। अरे दोनों मिलके मारे तो आखिर कहाँ जाने, उन्हें माँ मारी तो बाप बर्दाश्त करे, बाप मारा तो माँ थोड़ा बर्दाश्त करे। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया अपनी जिंदगी में, हालांकि आपने अपने बीवियों को भी नहीं मारा, क्या अदब था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा अपने घर में एक बेल्ट लटका कर रखो, एक बेल्ट कैसा लगा कर रखना है, जहां हर एक को नजर आना, कई को बेल्ट वो लगाने की अलामत ये है, शरीयत के खिलाफ भी कोई भी काम होगा, बेअदबी करे तो बेल्ट से पड़ते, बस डर लगा कर रखे, बस उसे उठाते भी नहीं, मारते भी नहीं, ऐसा अपने विजिबल आंखों का डर होना चाहिए। ऐसे ही अपने बच्चों की मुकम्मल तौर पर तरबियत करना चाहिए, अल्लाह की जात से डराना, और अपने बच्चों को मोबाइल दिलाने से पहले उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो, ये बड़ी अहम है। आपके अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कर देना, उसके बाद मोबाइल दो, इंशाल्लाह मोबाइल की गलत चीज़ें वो नहीं देखते। कैसे, बच्चों से बोलना, देखो बेटा तुम्हें रूम में चले जाओ, हमारे से छुप जाओ, जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह ताला तुमको देख रहा है। अगर ये अखलाक और ये अल्लाह का डर अगर हम अपने बच्चों घरों में बच्चों में पैदा कर लेना, इंशाअल्लाह मोबाइल की गलत चीज़ से जो है हमारे बच्चे अपने आप को मुकम्मल बचा सकते हैं। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली से गुजर रहे थे, खजूर नीचे पड़ा हुआ है, उठा को मुँह में डाल लिए, हमें कहते तो ऐसा मारते उन्हें भी नीचे गिर जाना, बच्चा भी नीचे गिर जाना, वैसा मारते थे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वो बोलो तो थूको थूको, अल्लाह के नबी के खानदान के लिए सरसे का माल खाना जायज नहीं है। हमें रहते तो ऐसा मारते, वहां भी मारते, घर को आकर उसकी अम्मी के सामने बोल को पूरे
خاندان میں ذلیل کرتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر کیا تھا جو ہے تجربہ تھا. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, کبھی کبھی بچوں کو تربیت کرنا تو پیچھے بھی ڈھا لیتے تھے. اچھا اپنے بچوں کو دعا سکھانا ہے کیا, بچوں کو گاڑی میں بٹھا لے کے پارک میں چلے جاؤ, بولو دیکھو یہ کائنات ہری بھری ہے, اللہ نے کیوں بنایا, یہ اس کے کیوں بلو ہے, کوئی بتا سکتے؟ دیکھو کائنات میں غور کرو, یہ کون پیدا کرنے والا؟ اللہ پیدا کرنے والا. بولنا اے اللہ یہ سب دے کر پیدا نہیں کرے تو. لہذا اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بٹھا کر تربیت کرتے تھے. اور اپنے بچوں کی دو انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں گے. اپنے بچوں کی تربیت محبت سے کرو. کیسا؟ یہ بات اپنے بچوں کو بتاؤ, دیکھو بیٹے بیٹی ایسا امی ابا جو بولتے نا اس کے اندر سختی نہیں رہتی, وہ سختی کے ساتھ نرمی بھی مل کر رہتی ہے. یہ بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اور یہ وجہ رکھیں آپ اپنے بچوں سے جب بات کرتے ہیں نا, آپ کی زبان اچھی رہنا, آپ کی زبان آٹو کے ڈرائیور کی نہیں رہنا, آپ کی زبان کنڈکٹر کی زبان نہیں رہنا, شائستہ زبان رہنا. بھائی آ رہے جا رہے یہ کیا زبان ہے؟ یہ تو پلیٹ فارم کی زبان ہے نا, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے گھر میں نہیں ہوتی. شائستہ زبان دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت کو قرآن میں ذکر فرمایا 21 پارے میں. حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی, بار بار بولتے اے میرے پیارے بچے, یہ اے میرے پیارے بچے سنے تو باپ بچے کو احساس ہوتا میرا باپ میں دنیا کا سب سے بڑا خیرخواہ انسان ہے, انہیں مجھے چاہ رہا ہے, مجھے انہیں جہنم سے بچانے کوشش کر رہا ہے, انہیں مجھے سیدھا ہونے کوشش کر رہا ہے. آپ اپنے بچے کو رہی سنتا نہیں سنتا رہے تو اگر جا کر نہیں رہا تو میت ڈال دوں تجھے, اگر ایسا ہوا تو کون سنے گا یا مجھے آئے میرے. دیکھو ابراہیم کو دیکھو اپنے باپ آزر کو دعوت دیتے کیا بولتے, اے میرے پیارے ابا جان یا بیٹی یا بیٹی. تو اس طریقے سے اپنے بچوں کو جب بتائیں محبت سے دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہونے کے اس کے تھے مطلب نماز ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا آپ نے معاذ کو کیسے سکھائیں؟ ایسے نہیں سکھائیں, نماز کے بعد پڑھو, آپ نے حکم نہیں دیا, آپ نے کہا اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد, ایک مرتبہ نہیں, محبت کر کے اس کے دل میں جگہ بنا لیتے, دل میں اتر جاتے. اس کے بعد بولتے ہیں معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہیں بھولنا. تو محبت کے ذریعے اپنے بچوں کو تربیت. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز میں اٹھا لیتے تھے, کبھی امامہ کو کبھی حسن کو کبھی حسین کو. کیوں اٹھا لیتے؟ ان کو یہ بتاتے دیکھو تمہارا نانا جس ذات کے سامنے جھک رہا ہے تم کو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے. آج کل ایسا گھر گھروں ماحول سامان نہیں ہوا تو لوگ کیا کرتے, اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح بند دیتے ہیں, یہاں پیٹ میں یہ وہ نہیں, غلط ہونا چاہیے, ان کو چھوڑنا, ان کو اٹھانا سمجھانا سب کچھ کرنا ایسے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری اس میں لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے وہ دیکھیے 21 پارے میں شاید لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے وہ نصیحت کو آپ پڑھو. وہ کیا نصیحت تھی؟ وہ نصیحت یہ تھی سب سے پہلے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے بچوں کو شرک کرنے نہ دو. ایسے ہوتا ہے کہیں 11ویں ہو رہی ہے کہیں 12ویں ہو رہی ہے, اپنے بچوں کو ہم بھیج دیتے ہیں یا 11ویں 12ویں کا کھانا آتے تو وہ بھی کھلا دیتے ہیں. اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ. اور کچھ لوگوں کو دیکھ کر یہ بھی کہا دیکھا گیا کہ کیا کرتے ہیں وہ خود غلط باتیں کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو غلط باتیں سکھاتے ہیں. بعض امہ کو دیکھا گیا کہ وہ یا علی بولتے ہیں کبھی, اور ایسا کرتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. لہذا شرک سے مکمل طور بچاؤ. اور اس طریقے سے لقمان نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی نماز کا حکم, یہ بہت اہم ہے. آپ جب گھر میں نماز پڑھتے رہتے آپ کے بچے اگر موبائل دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نماز کا یہ فائدہ نہیں ہے. نماز کیا کرنا, خود کھڑنا, اپنے بچوں کو لے کر کھڑنا. میں تو سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے اگر 8-9 سال کے ہو گئے ان کو نماز پڑھانے کی پریکٹس کرانا. میرے 2 بچے ہی ماشاء اللہ حفظ کر رہے ہیں, 15 پا رہے ہیں. کبھی کبھی چھٹیوں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نماز کو چلے جاتے ہیں, وہ بچوں کو نماز پڑھے تو ماں پیچھے نماز پڑھتی. اس میں فائدہ کیا ہوتا, اسے اعتماد آتا اور اسے ڈر بھی چلے جاتا نماز کیسے پڑھنا. غلطی ہوئی تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کیا نماز کا وقت ہوا تو ہم اکیلے جا کے نماز پڑھ لیں, ہمارے
बच्चे मोबाइल देखते रहे करते रहे गलत मामला, और कभी ऐसे भी होता है हम अपने बच्चे को तो नमाज पढ़ो लेकिन माँ को नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। नमाज में अपने बच्चों को साथ लेकर करना चाहिए और उस तरीके से घर में भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना भी चाहिए। कैसे? अगर आपका बेटा टखने के नीचे कपड़े पहनता है तो माँ बोलना उतना हिस्सा जहन्नम में जाता। अगर कोई औरत घर से बेपर्दा होकर निकल रही है बोलना बगैर पर्दे कि आप निकल रहे हैं अल्लाह का गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतरता। ऐसा भलाई का हुक्म भी देना बुराई से रोकना। अगर आप भलाई का हुक्म नहीं दे रहे हैं बुराई से भी नहीं रोक रहे हैं तो इससे मालूम होता है कि वो गूंगे शैतान से भी बचता है। और उसी तरीके से शरीयत के खिलाफ वर्जी जो भी आती है उससे रोकना चाहिए और सब्र भी अब बच्चों के अंदर सिखाना चाहिए। तो हमारे बच्चों के अंदर सब्र बहुत कम है। खाना पक रहा है सालन दम होने का है क्या इतना वक्त हो जाएगा आपके खाना लगा करते सो मालूम होता नहीं कमरे का थोड़ा सा देखो बात करने का अंदाज कैसे। अपने बच्चों में सब्र सिखाओ। इब्राहिम के अंदर सब्र था, हजरत हाजर के अंदर सब्र था, इस्माइल के अंदर सब्र था। माशाल्लाह जब ख्वाब देखे तो क्या बोल रहे हजरत इस्माइल अल्लाह ताला का हुक्म है तो ज़बह कर दो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये सब्र बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ हर साल ईद के मौके पर अपने बच्चों को नए कपड़े हरगिज नहीं दिलवाना। हर साल दिला तो क्या होता मालूम, एक साल अगर मेरी और आपकी माली परेशानी अगर रही उस साल कपड़े नहीं दिलाए तो माँ बाप से बच्चों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। कभी अच्छे कपड़ों पर भी ईद होना चाहिए, बच्चों को यही बताना चाहिए ईद के लिए नए कपड़े पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। और उसी तरीके से अपने बच्चों के अंदर सब्र सिखाना बहुत ज़रूरी है। मिसाल लेके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह बहुत बड़े खलीफा थे। ईद का दिन है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं। माँ क्या करती है एक छतल में देखती है पानी रख के बच्चों को बोलती है खाना पकता सब्र करो सब्र करो। उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह आए और उनकी जो बीवी थी वो भी उनका बाप उनके बेटे सब पूरे खलीफा, यह खलीफा की बीवी है। अब क्या है जो आदमी बादशाह होता है बादशाह की बीवी कैसे ग्रेड में रहती है। तो बाप ने आकर अपने बच्चों से पूछा अरे बच्चों जरा ये बताओ क्या तुम इस बात से राजी हो कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे बाप को दुनिया में सब कुछ दे दे और तुम्हारा बाप जहन्नम में चले जाए आखिरत में, इस बात को पसंद करते हो या इस बात को पसंद करते हो कि दुनिया में फख्र फाके में हम रह जाए अल्लाह ताला तुम्हारे बाप को आखिरत में जहन्नम से बचा ले। तमाम बच्चों ने कहा हमें दुनिया में ज्यादा नियमतें नहीं चाहिए अरे अब्बा जान, अल्लाह ताला मुझे और आपको जहन्नम से बचा ले तो ये बहुत बड़ी बात है। लिहाजा सब्र हर एक के अंदर होना चाहिए। उसी तरीके से सब्र के बगैर जिंदगी नहीं होती। देखिए सब्र क्या होता है, करते वक्त कड़वा दिखता लेकिन जब अंजाम को पहुंचता है बड़ा मीठा रहता है। तो समझते ना, बोलते सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते थे लोगों सब्र के अंदर अल्लाह ने जो मजा रखा है जो आदमी चकले उसको कभी नहीं छोड़ेगा। और उसी तरीके से हमारे अंदर जो है एक चीज ये भी है, बच्चों को तकब्बुर से चलने से मना करो। बच्चे क्या होते हैं कहीं शादी में जाना हो नए कपड़े पहन लेते, ईद का दिन आए नए कपड़े पहन लेते, जेब में हाथ अंदर लेके नया चश्मा पहन लेके हीरो की तरह चलता है बच्चा, अब फोटो मारो सभी। ये तकब्बुर से नहीं चलना और ऐसा भी नहीं चलना और बात करते तकब्बुर भी नहीं करना। हर एक आदमी से नरमी से अच्छे अखलाक से मिलना और बोले अपनी आवाज़ को बुलंद भी मत करो, इसीलिए कि बुलंद आवाज़ क्या होती है गधे की आवाज़ से बदतर है। आज आप देख रहे हैं हमारे घरों में टिकटॉक की म्यूजिक आ रही है, वो हंसने की आवाज आ रही है, हमारे बच्चों को तो पूरे गाने याद, पूरे सीरियल याद, पूरी कॉमेडी याद, याद नहीं तो कुरान याद नहीं है। लिहाजा ये गंदी जो आवाजें होती ना सीटी मारने की बुलंद आवाज नहीं चीखने की चिल्लाने की, ये आवाजें हमारे बच्चों में नहीं होना चाहिए। संजीदगी सिखाओ और अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, रसूल की मोहब्बत सिखाओ, जाहिर से बढ़कर बातिन की तरफ तवज्जो दो। और ये बात सुनिए जिस्म से बढ़कर रूह की तरबियत करो। ये काफी क्या करता है सुबह उठते ही ब्रश करता दाढ़ी निकालता अच्छे कपड़े पहनने को सीधा जो है कंपनी को चिल्लाता। मोमिन को ऐसा नहीं रहता, मोमिन की जिंदगी सुबह होती है अल्हम्दुलिल्लाह अहयाना से। अगर वो शुरू करता है तो दो रकात नमाज से, फिर उसके बाद फजर की नमाज पढ़ता जिक्र अज़कार करता और
उसके बाद चाश की नमाज पढ़ के नाश्ता करके मुकम्मल तौर पर अपनी कंपनी को जाता है। तो इस तरीके से जिस्मानी तरबियत से बढ़कर रूह की तरबियत करने की ज़रूरत है। अगर हमारे बच्चे बच्चियों के बाल अगर बढ़ गए तो क्या करते हैं, जाके 150 रुपये देकर कटिंग करा के आते हैं, चेहरे को इतना सवार रही ना, कभी उसकी सीरत को संवारने की तरफ मुकम्मल तौर पर तवज्जो दो। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, दिन में 4 मरतबा 5 मरतबा साबुन से मुंह धोते, गोरे होने की कोशिश करते हैं। उनको बोलना ये क्रीम का या साबुन का गोरापन बहुत देर तक बाकी नहीं रहता, अल्लाह की इताअत करने से चेहरों में जो रौनक आती है वही रौनक बाकी रहती है। यही तो फरमाया अल्लाह ताला कयामत के दिन नेक लोगों के चेहरे को सफेद बना देगा और जो लोग बिद्दती हैं उनके चेहरे को काला बना देगा। इसीलिए उलमा ये बोलते हैं इंसान का दिल कैसा है वो देखना है तो उसके चेहरे में देख लो। तो इंसान के चेहरे में रौनक आती है अल्लाह की इबादत करने से। इसलिए आप देखो अल्लाह वाले जब मरते ना उनको रख कर रहते जनाजे में लोग रश करते रहते उनकी खूबसूरती पर माशाल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिर कैसा था बातिन में कैसा था, और बोलते हैं ये बात भी है आदमी का जाहिर और बातिन दोनों अच्छा है बोले तो उसका पसीना भी अच्छा रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, बड़े जाहिर और बातिन अच्छे थे और आपका पसीना इतना मुबारक पसीना वो उम्मे सुलेम निकाल के शीशे में वो इतर में मिला के माशाल्लाह बोलते इतना अच्छा खुशबू हमारे पास नहीं मिलती थी। लिहाजा बोलते हैं जिसका बातिन खराब है उसके पसीने में बदबू है, जिसका बातिन अच्छा है उसका पसीना उतना ही अच्छा होगा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और उसी तरीके से अपने बच्चों में आखिरत की फिक्र भी पैदा करो, बोलो बेटा ये दुनिया हमें हमेशा रहने की जगह नहीं है, यहाँ से मुल्क मुकम्मल तौर पर हमको हर एक को जाना है और अपने बच्चों में अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करने का जज्बा भी मुकम्मल आना चाहिए। हमारे बच्चे खाना खा के उठ जाते पूछते दुआ पढ़ गया पढ़ लिया तो नहीं जोर से दुआ पढ़ना, आप पानी पी रहे अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बोलने की आदत होना ये शुक्र बड़ा अहम है। और उसी तरीके से तरबियत में तवाजुन भी होना, शाइस्ता जबान होना। और ये याद रखें अपने बच्चों की तरबियत करते ना चुबाने के बाद नहीं करना। मिसाल के तौर पर बच्चा कब तक भी गलती कर रहा उससे तौबा कर लेता, हमें क्या बोलते उस दिन चुराया ना वो अब तक आदत तेरे पास है कि, उन्हें क्या करता वो आदत छोड़े सो उसे ताना मारे ना इसीलिए दोबारा पलट कर आता उसकी तरह, ताना जनी नहीं होना चाहिए। और तौहीद अपने बच्चों में मुकम्मल तौर पुख्ता करें। तो ये कुछ बातें थी तरबियत औलाद के ताल्लुक से। और आपसे गुजारिश है इससे मुतालिक जो भी किताबें बयानात आपको मिलेंगी उसको पढ़ते रहिए, ज़रा काफ़ी लंबा हो गया बयान, माजरत चाहता हूँ। अल्लाह तबारक तआला से हमारी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ हम कहे हैं आप लोग सुने हैं हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने बच्चों की जिस्मानी तरबियत के साथ साथ रूहानी तरबियत करने उनके हक़ में हमेशा दुआएं करने और उनको फितनों से बचा कर रखने की हम सबको दुआ का तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।